दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि शेर जहां भी बैठ जाए वही सिंहासन बन जाता है, यानी कि इतनी क्वालिटी है उसके अंदर में, कि इतनी पावर है उसके अंदर में कि जहां पर भी बैठे चाहे वो खाली जमीन क्यों ना हो वही उसके लिए सिंहासन बन जाता है। बाहुबली मूवी देखे ना आप लोगों ने, जब वो राजमहल को छोड़ के आता है और सारे लोग जो है कितने खुश होते हैं कि जो भगवान जो है अपने महल से उतरकर हमारे पास में आ रहा है, और फिर उसका जो भाई रहता है वो कहता है कि इसको मरवा दो वरना ये जहां रहेगा वहीं राजा बनकर रहेगा। ये पॉसिबल ओनली हो पाता है अपनी क्वालिटी की वजह से। अगर आप लोगों ने अपनी क्वालिटी पर फोकस करना स्टार्ट किया ना, अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट किया, अपनी स्किल को इंप्रूव करना स्टार्ट किया, तो आप लोग चाहे कहीं भी हो, चाहे आप लोग एक आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे आप लोग एक एसडीएम हो, चाहे आप लोग सरकारी जॉब में भी ना हो, आप लोग प्राइवेट जॉब में ही क्यों ना हो, आप लोग शेरों वाली जिंदगी जियोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपनी क्वालिटी पर काम किया है। एपीजे अब्दुल कलाम सर ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, आज के डेट में रोनाल्डो ले लो, या फिर किसी भी इंसान का नाम ले लो, इलोन मस्क ले लो, अपने ही देश में विराट कोहली ले लो, सचिन तेंदुलकर साहब ले लो, रतन टाटा जी ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम सर, मतलब किसी भी इंसान का नाम ले लो, ऐसा नहीं कि सरकारी जॉब में ही जाकर आप लोग जो है सिंहासन पाओगे। अपनी क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट करो, वो कुछ भी हो सकती है। तो नए साल में यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को इस तरीके से इंप्रूव करो कि वो किसी की चीज की मोहताज न रहे। आप लोग अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी स्टार्ट करो जीना, तो आप लोग देखना आप लोग के अंदर में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। दोस्तों ये जो वीडियो है ये दिसंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर में कवर करने वाला हूं एक वीडियो के अंदर में। इसको आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं नॉर्मली कि एक तरीके से गागर में सागर, तो ये वही कुछ ऐसी वीडियो होती है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटी इकोनॉमी पूरे महीने की, या लोकेशन ज्योग्राफी, या अवार्ड्स इंडेक्स, जो भी आता है बेसिकली एक महीने के अंदर में, उसका एक जिस्ट होता है जो कि हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाता है। ये वीडियो लगभग 3.5 साल हो गए चलते चलते, इसको बहुत ही शानदार इसका रेस्पॉन्स रहा है, इसीलिए ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। और अब इस साल का ये आखिरी बेसिकली महीना है जो मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूं, फिर नए साल की अगले महीने के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो के एंड में, जैसे भी आप लोगों को ये वीडियो लगती है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर भी अपडेट किया जाएगा, जहां से भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन है स्टडी लवर वीर के नाम से, सारी चीजें वहां पर आप लोगों को इकट्ठी एक जगह मिल जाती है, वहां से भी जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि करंट के पॉइंट ऑफ से भी और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, यानी कि दोनों जगह आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो न्यूज है इसके ऊपर स्टार लगा लेना डायरेक्ट के साथ में। आप लोगों थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से बताऊंगा कि अगर हम लोग बात करते हैं लीगल जस्टिस के बारे में, तो यहां पर बेसिकली हमारे संविधान में उसके बारे में क्या प्रोविजन है वो भी मैं बात करूंगा। अभी क्या हुआ, हमारे देश के जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया कि जो बेसिकली काम करने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारे देश के अंदर में, जिनको पिक्चर में लेकर आया गया था 2019 में, उनको आगे और एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो सेक्सुअल रिलेटेड मैटर है हमारे देश के अंदर में, जो भी कोई ऑफेंस होते हैं सेक्सुअल रिलेटेड, उनका केस का सॉल्यूशन जो है वो फास्ट ट्रैक तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं इनको इंप्लीमेंट करना, इनका कामकाज देखना, सारी चीजें वुमेन की सिक्योरिटी के लिए काम करना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए, वुमेन के पॉइंट ऑफ से। और इसी के साथ में यहां पर इसके ऊपर एक खर्चा भी अच्छा खासा आता है, तो इसलिए यहां पर प्रॉपर यूनियन के द्वारा जो यूनियन कैबिनेट है अप्रूव किया गया है यहां पर 1952 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, ताकि आने वाले टाइम में भी इनको 2026 तक कंटिन्यू किया जा सके। यानी कि अब आने वाले टाइम में 2026 तक कहीं भी आप लोगों से इनके बारे में पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं हाँ ऐसा कुछ है। क्यों है यहां पर ये खासकर जो वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, जिनको फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलू FTSC के नाम से आप लोग यहां पर जानते हैं। इसका बेसिक पर्पज क्या है, जो हमारे कोर्ट हैं उनके ऊपर में बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, तो उनके बर्डन को कम करने के लिए यहां पर और इफिशेंट यानी कि फास्ट तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए ये सिस्टम आप लोगों को हमारे देश के अंदर में देखने को मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके बारे में, दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करते हैं इसके लिए, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसका विचार क्यों आया, आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसको बोला गया था निर्भया केस, उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। उसके बाद में हमारे देश के अंदर में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसके चलते आज तक भी उसका फायदा जो है वो यहां पर लड़कियों को देखने को मिल रहा है। उसी में से एक है यहां पर निर्भया फंड।
ये फंड बनाया गया था वुमेन सेफ्टी के लिए, जो कि यहां पर आज की डेट में जिसके अंदर में से यहां पर पैसा निकालकर ये ऐसे कोर्ट्स वगैरह चलाए जाते हैं जिसका खर्चा यहां से इससे निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। काफी लार्ज स्केल पर इसके अंदर में जो है केसेस जो है वो सोल्व किए जाते हैं। आज की डेट में 769763 ये फास्ट ट्रैक है, इंक्लूडिंग 412 एक्सक्लूसिव जो पोक्सो कोर्ट है उसके साथ मिलाकर, और ये आज की डेट में 29 स्टेट और कई सारी यूनियन टेरिटरी में है, और ये तो केसेस हैं, इतने सारे ये डिस्पोज कर चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि ग्राउंड लेवल पर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आखिर सरकार जब हमारे देश के अंदर में आप लोगों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल रहा है, हाई कोर्ट देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिल रहा है, तो सरकार इस तरीके के कोर्ट क्यों बनाती है? क्या इसके लिए हमारे संविधान के अंदर में कोई प्रोविजन है? तो एक बार आप लोग ये भी सुन लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो अब बताने जा रहा हूं। यह है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हमारे देश के अंदर में लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट लेकर आया गया, लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट बोलते हैं बेसिकली उसको, ये लेकर आया गया था 1987 में। इस कानून का बेसिक पर्पज ये था कि लोगों को जिनके पास में पैसा नहीं है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जा सके। और ये कहां से निकल कर आया, ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि याद रखना हमारे देश के अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पर हमारा जो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसके हिसाब से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल 39A, ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 39A डीपीएसपी में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में ऐड किया गया, ताकि हमारे देश में जो हमारे जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनको यहां पर फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि सबको यहां पर न्याय मिल सके। वरना ऐसा होगा जो कि अमीर आदमी है वो तो कभी उसको सजा नहीं मिलेगी, वो हमेशा अपना बचाव करके निकल जाएगा, पर जो गरीब तबका है सोसाइटी का वो हमेशा सलाखों के पीछे मिलेगा। तो उसके चलते यहां पर ये सिस्टम सामने निकल कर आया। तो करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग अगर याद रखते हुए चलोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा अगर पूरी वीडियो को सिस्टमैटिक वे में आप लोग देखोगे। बस ये है कि पेशेंस चाहिए थोड़ा सा अच्छे कंटेंट को आप लोगों को पचाने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए, मुझ में भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तभी जाकर पूरी सारी चीजें चल पाती हैं। तो जोश बिल्कुल हाई रखना, वीडियो के एंड तक इतना कुछ जानने को मिलेगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों का। ओके दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम जोनल काउंसिल के बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से नंबर की जोनल काउंसिल है ये तो आप लोगों से शायद ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे, पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है जोनल काउंसिल के बारे में, वहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो जोनल काउंसिल की पहले मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट बताता हूं, आखिर जोनल काउंसिल बनाई क्यों जाती है, कि जोनल काउंसिल की रिक्वायरमेंट क्या है, कि अच्छा यार एक जोनल काउंसिल हमारे पास में होनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और किसने इसके बारे में बोला। तो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 1956 में उनको लगा कि यार जोनल काउंसिल जैसी एक चीज होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी लेवल का काम करे यहां पर। तो कि हमारे देश में उस टाइम पर कई सारे स्टेट जो हैं वो अलग अलग निकल रहे थे, अलग अलग राज्य जो है नए नए राज्य बनाए जा रहे थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, जो कि 1956 में लेकर आया गया था। तो फिर लगा कि यार जोनल काउंसिल होनी चाहिए। तो जोनल काउंसिल का आइडिया जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले तो बात की गई थी कि हम लोग अपने देश को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा गया। दूसरा क्या था कि अलग अलग रीजनल लेवल पर अलग अलग जो यहां पर कुछ ना कुछ एक ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का, जिसमें रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि स्टेट को लेकर जो भी लोगों की किस तरीके से भावना है, उसको ग्रोथ को कैसे लेकर चल सकते हैं और कैसे कोऑपरेटिव वे में एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग आगे लेकर बढ़ सकते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में। तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात यहां पर देखने को मिली और उसको अच्छे से लेकर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके स्टेट के अंदर में। ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 5 जोनल काउंसिल बनाई, जैसे नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न जोनल काउंसिल। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में 5 थी यहां पर जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बाद में चलकर यहां पर नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल जो है वो भी इंक्लूड कर ली गई। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नहीं थी पर लेकिन बाद में चलकर इसको भी यहां पर बनाया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको बनाया गया 1972 में। ठीक है, तो 1972 में हम लोगों ने ये वाली जोनल काउंसिल जो है उसको भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसके बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि अच्छा कैसे कैसे है, पहले कौन सी थी स्टार्टिंग में, बाद में कौन सी ऐड कर दी गई, तो बाद में इसको भी ऐड कर दिया गया। एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आप लोग याद रखना कि जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो होम मिनिस्टर जो होते हैं नॉर्मली होम मिनिस्टर साहब जो होते हैं उनको काउंट किया जाता है एज ए इसका चेयरपर्सन, ठीक है, तो ये यहां पर होम मिनिस्टर साहब रहते हैं चेयरपर्सन, ना कि प्राइम मिनिस्टर, तो इसको कंफ्यूज मत करना। स्टेटमेंट में आप लोगों से प्राइम मिनिस्टर देकर बोल देते हैं डायरेक्टली कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो गए, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है, तो बेसिक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बने तो। ओके दोस्तों, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में रहते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा होता है? डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप लोग ये बोल सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको आप लोग सांसद बोलते हो, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको एमएलए यानी कि विधायक बोलते हो, वो जाकर बैठे और जनता के लिए पॉलिसीज बनाए। नॉर्मली ये सिस्टम होता है, पर लेकिन कई बार ऐसी चीजें जो होती हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं जब यहां पर हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं इमरजेंसी लग जाती है, तो आप लोग बोल सकते हैं। ऐसी एक इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के तहत में। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हमारे संविधान निर्माता हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस टाइम पर ये बोल रहे थे कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो शायद ही इस्तेमाल होगा और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है, तो उनके जो संभावना है उसके कहीं ना कहीं अलग ही डायरेक्शन में हम लोग चलते हुए नजर आते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है अगर उनको इमरजेंसी लगानी है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में, तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए प्रॉपर, यानी कि रीजनेबल यहां पर एक तरीके से उनका रीजन होना चाहिए कि क्यों इमरजेंसी लगाई है। जो रीजन दे रखे हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट काम ना कर रहा हो तो समझ में आता है, वैसे यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे यहां पर अभी देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके बारे में बात की है, वरना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ती है प्रेसिडेंट के गवर्नर के थ्रू, गवर्नर जो है वो यहां पर उनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर रूल लगाते हैं। तो आर्टिकल 356 के बारे में अगर कोई पूछे आप लोगों से कि कहां से चीजें निकाल कर लेकर आई गई, तो इसके बारे में कुछ बेसिक तो ये याद रखेगा जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश के अंदर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, वो याद रखना उसमें से मैक्सिमम हमारे संविधान का पोर्शन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जो है, वो इससे लिया गया है, ठीक है। वैसे तो दुनिया भर के 60 से ज्यादा संविधान हम लोगों ने यूज किए हैं, पर लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात की जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में बात की जा रही है, ये दोनों शब्द जो हैं ये यहां पर इसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी बोल दें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोल दें, दोनों एक ही चीज है। ये इम्पोज किया जाता है स्टार्टिंग में, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 6 मंथ के लिए, पर लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल के लिए, ठीक है। अभी यहां पर 3 साल के लिए इसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, आफ्टर 6 मंथ, एक बार 6 महीने के लिए लगा दिया, फिर आगे 6 महीने के लिए अगर और एक्सटेंड करना है तो आप लोगों को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा कि प्रेसिडेंट रूल को आप लोगों को एक्सटेंड करना है। 1978 में 44वां संविधान में संशोधन किया गया, जो कि यहां पर 1978 में फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, और यह बोला गया कि प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर, तो यहां पर ये प्रोविजन इसके अंदर में ऐड किया गया ताकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अगर यहां पर कोई सरकार चल रही है तो उसको अपना काम जो है वो ढंग से करने का मौका मिले, वरना प्रेसिडेंट रूल ही लगा रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर सारे आर्टिकल भी दे दिए इमरजेंसी से रिलेटेड, अगर आप लोगों का मन हो हल्का सा तो इनके ऊपर भी नजर डाल सकते हैं, पॉलिटिक आप लोगों का रिविजन हो जाएगा अच्छा खासा, इसलिए यहां पर इनको भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अब तक का सबसे कॉन्ट्रोवर्सल न्यूज देखने को मिली जब हमारे देश में राज्यसभा के द्वारा एक बिल पास किया गया जिसमें बात की गई अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहां पर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। जिस किसी को नहीं पता है, थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब तक हमारे देश के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो अपॉइंटमेंट था वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट किया करती थी, और उसके लिए कोई ज्यादा प्रोविजन भी नहीं थे। यहां पर सारी की सारी पावर जो थी, वो जो अथॉरिटी जो थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर रिसेंटली अभी क्या किया गया, अभी काफी बड़ा चेंज किया गया रिसेंटली, जिसके चलते यहां पर ये पर्टिकुलर कानून लाना पड़ गया सरकार को। क्या था वो चेंज? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन जाती है और बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये यहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम करता है, यानी कि एक पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहां से निकल कर आता है।
तो इसके चलते सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये देखने को मिलता है, अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे कि कहीं ना कहीं ये कि अगर हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे संविधान के अंदर आर्टिकल 324 जो कि बात करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अब से अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो वो तीन मेंबर की बॉडी होगी। तीन मेंबर कौन होंगे? एक तो रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और तीसरे रहेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन जो यहां पर देखने को आप लोगों को मिलेंगे लोकसभा के अंदर में, तो ये तीन लीडर यहां पर बेसिकली मिलकर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करेंगे जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लेकर नहीं आ जाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लेकर आए तब तक यहां पर ये फॉलो करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही लगा कि भाई साहब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर घुस गए एक बार तो फिर यहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं चलने वाली है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक तरीके से उनकी भी नहीं चलेगी, सारा डिसीजन इसी के हिसाब से ले जाएगा क्योंकि ये दोनों तो मिलने से रहे अपोजिशन और गवर्नमेंट, तो सारा हिसाब किताब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से ही चलता हुआ नजर आएगा। तो जुडिशरी की एंट्री को रोकने के लिए हमारे देश के अंदर में उस दिन से देश आजाद हुआ पहली बार कोई ऐसा कानून लेकर आएगा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने की बात की गई, और इसके चलते इन्होंने यहां पर अब इस बिल में ये बोल दिया है कि तीन लोग रहेंगे, और वो तीन लोग हैं कौन, अब देखना अब खेल खेला गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे इसमें, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और तीसरे मेंबर वो रहेंगे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे। यानी कि तीन मेंबर में से दो मेंबर जो है वो सरकार के रहेंगे। अब लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई मतलब यहां पर रहने जाता है, फिर से जो रहेगी अपॉइंटमेंट रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चली गई। तो इसके चलते बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल रहा ये बिल जिसमें ये बातें यहां पर की गई। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहां याद रखेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, पर लेकिन जिस तरीके से आप अपॉइंटमेंट की बात करते हैं उसके हिसाब से कई बार लोग ये बोलते हैं कि कहने के लिए बस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आर्टिकल 324 आप लोग याद रखना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में यहां पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो टोटल ये जो छह इलेक्शन होते हैं हमारे देश के अंदर में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। आर्टिकल 342 जो है वो बोलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की जाती है, यहां पर उनसे बेसिकली अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए, पर अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इनके टेन्योर के बारे में बात करें तो 6 ईयर बोला जाता है या फिर 65 साल जो भी पहले हो जाए। ये इंजॉय करते हैं स्टेटस और सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट, इस पे भी अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा था। इस बिल के आने से पहले इनको बेसिकली बोला जा रहा था कि जो हाईएस्ट गवर्नमेंट का ऑफिस होता है अगर बात करें जैसे कि सेक्रेटरी वगैरह, तो उनके हिसाब से यहां पर इनको सैलरी दी जाएगी, पर लेकिन फिर यहां पर बोले कि इनका इंडिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इसके चलते फिर से बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनको रखा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये बात की गई यहां पर कहीं ना कहीं कि रिमूव किया गया ऑफिस, जो कि यहां पर सेम मैनर, मतलब जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उसी सेम मैनर में रिमूव किया जाएगा इनको, एक्सेप्ट द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड जैसे जज को यहां पर हटाया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सैलरी भी उनके बराबर ही है और हटाने का प्रोसीजर भी आप लोगों को टफ देखने को मिलेगा यहां पर, ये बात की जा रही है। ठीक है, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज द जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, क्योंकि सैलरी भी उन्हीं के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टार लगा लेना, ये करंट और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ से दोनों इंपॉर्टेंट टाइप से आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप लोग अगर बोला जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, और इसके बारे में मैं आप लोगों से कई सारी बातें बताऊंगा यहां पर। अभी बात की जा रही है कि कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को, और ये गोल रखना है यहां पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को चाइल्ड की डेफिनेशन भी यहां पर एक तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं जो है चाइल्ड यहां पर बोला जाता है 14 साल तक के, और फिर यहां पर किसी ऐसे भी एरिया है जहां पर 14 से लेकर 18 साल के बच्चे को भी चाइल्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो चाइल्ड को आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। चलो वो तो बात की बात है, जब डिफाइन करेंगे तब देखा जाएगा। अभी इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। चाइल्ड लेबर जो है वो बकायदा ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलती है। 10.1 मिलियन वर्किंग एज ग्रुप के बच्चे तो ओनली आप लोगों को इंडिया के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे, ये यहां पर 5 से लेकर 14 साल के बच्चे, और अकेले यूपी के अंदर में लगभग 20 लाख बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन बनता है यहां पर एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करते हैं, तो याद रखना ये आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है बेसिकली यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इसमें अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में लगभग 70% बच्चे आप लोगों को यहां पर चाइल्ड लेबर के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर में 20% और इंडस्ट्री में लगभग 10%।
तो ये तो हो गई बेसिक बातें। संविधान में अगर अधिकारों के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 क्या बात करता है, यहां पर बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। याद है ना कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, ताकि बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा सके 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 23 जो है वो यहां पर फोर्स लेबर और प्रोविजन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 जो है यहां पर ये बात करता है चाइल्ड अंडर 14 ईयर कैन नॉट इंप्लॉय, ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उसके अंदर में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 23 तो फोर्स लेबर के बारे में बात करता है, इन्होंने बच्चे बुजुर्ग कोई नहीं बोला, इन्होंने बोला कि किसी को नहीं लगाना है, तो बच्चे भी आ गए यहां पर। आर्टिकल 424 जो है वो बात करते हैं यहां पर 14 साल तक के बच्चों को गलत जगह आप लोगों को फैक्ट्री वगैरह में नहीं लगाना चाहिए। आर्टिकल 39 इसमें बोलता है हेल्दी और इस एक तरीके से स्ट्रेंथ करना आप लोगों को जो वर्कर्स मेंस और वुमेन्स होते हैं, कहां पर यहां पर एज के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में याद रखेगा जो यहां पर बच्चों की एज है तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर बच्चे को इसके अंदर में इंक्लूड नहीं करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बड़ा भी इंसान क्यों ना हो, आप लोगों उनको एक हेल्दी एनवायरमेंट देना चाहिए जहां पर वो काम करे। ऐसा नहीं कि वहां पर हवा भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं है, वहां पर रोशनी भी नहीं आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 45 के ऊपर स्टार लगा लेना। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 जो है उसमें बात करते हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के बारे में, पर लेकिन आर्टिकल 45 यहां पर ये एज ग्रुप 6 आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसके नीचे बच्चे अगर कोई यहां पर एजुकेशन के बारे में बात करे तो उनके बारे में कौन सोचेगा। यानी कि 6 से लेकर 14 साल तो आप लोगों ने 21 में डाल दिया, अब 6 से पहले थोड़ी ना बच्चा कोई पढ़ाई नहीं करेगा, कैसा उनके बारे में तो कोई सोचना चाहिए ना, तो उसके लिए यहां से बात निकल कर आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, कल को चल के क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है ऐसे टॉपिक से, तो आप लोगों को ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहां से आप लोगों के बन जाते हैं। ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड लेबर की, आईएलओ के द्वारा जो चाइल्ड लेबर के बारे में बताई गई है, तो इसमें भी डेटा जो है इसको आप लोग इवन अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर में आप लोग आसानी से, या निबंध लिख रहे हैं तो वहां पर भी इसका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, वरना प्रीलिम्स वगैरह के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही सकते हैं, डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, दूसरे नंबर पर है बिहार के अंदर में, तो ये दो तो एटलीस्ट याद रखेगा, तीसरा भी अगर जानना है तो राजस्थान है तीसरे नंबर पर, ठीक है, बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, ओके। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस के बारे में, या फिर बोल सकते हैं जो सरकार की कई सारी पॉलिसीज होती हैं या फिर स्कीम्स होती हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग बोल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर अच्छे से हम लोग नजर डालेंगे। एक बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, ये बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जितनी अच्छी आप लोगों की हेल्थ रहेगी आप लोग उतना ही अच्छा जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे, तो उसके चलते ये स्टेटमेंट बोली जाती है। हेल्थ को लेकर काफी फोकस किया गया रिसेंटली हमारे देश के अंदर में भी, सेंटर के द्वारा एक स्कीम लेकर आई गई जिसको बोला गया आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत हेल्थ जो है एक तरीके से पहले स्कीम लेकर आई गई, फिर उसमें उसके सेंटर बनाए गए जिनको हेल्थ वेलनेस सेंटर बोला गया, पर लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों है, ये तो स्कीम काफी पुरानी है, न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था उसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैंने ये जो अपनी रेगुलर वीडियो आती है उसके अंदर में मैंने डिस्कस भी किया था कि मैंने कहा था कि मंदिर शब्द जो है क्योंकि यहां पर सरकार की स्कीम है तो यहां पर अलग अलग जो धर्म के लोग आएंगे इसके अंदर में, तो उसको लेकर कई सारे लोगों ने यहां पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया था कि मंदिर शब्द नहीं यूज करना चाहिए था क्योंकि बहुत दूसरे रिलीजन के भी लोग यहां पर आएंगे जो कि अपने धर्म में मानते हैं, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, अगर इस स्कीम के बारे में बात करूं तो याद रखना आयुष्मान भारत, आप लोगों को पता है ना यहां पर पर्टिकुलर एक स्कीम हमारे देश के अंदर लॉन्च की गई थी जिसमें 5 लाख रुपए देने की बात की गई थी और 10 करोड़ से ज्यादा जो परिवार हैं उनको कवर करने की बात की गई थी हमारे देश के अंदर का जो यहां पर बेसिकली सेंसस है उसके हिसाब से। क्या था इस स्कीम के अंदर में, इसके अंदर में यह था कि आप लोगों की बीमारी का इलाज करवाया जाएगा यहां पर हमारे देश के अंदर में, और अलग अलग स्टेट को अगर पार्टिसिपेट करना है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देंगे, पर लेकिन यहां पर जो पैसा होगा वो सबके लिए इक्वल नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल जो स्टेट है वहां पर 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट देगा, पर लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया होते हैं उसके बारे में आप लोग याद रखना कि 90% सेंटर देगा और 10% जो है यहां पर स्टेट देगा, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अगर बात करूं इसके बारे में तो 3 जैसे हिमालयन स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन हो गए जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस में आते हैं इनको, तो इनमें 10% ही देना है इनको, बाकी का दूसरे राज्य 40% देंगे। नो लिमिट ऑन फैमिली जो साइज है कवरेज ऑन द एज ऑफ द मेंबर, एज का कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया, तो ये आप लोग यहां पर याद रखते हैं।
और इसी के साथ में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज बोलेगी जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, अगर किसी को कोई पुरानी डिजीज भी है पहले से जो चली आ रही है वो भी इसके अंदर में कवर की जाएगी। और इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रही थी। इसी को और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया इस स्कीम के लिए, जिसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बोला गया। इसका एम क्या था, ये डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जैसे नहीं एसएलवी की नॉर्मल क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं, पर उसकी और एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे कि होती हैं वो कहां पर चलती हैं, वो चलती हैं एप्लीकेशन के ऊपर में, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर डिजिटल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला है सेंट्रल स्पॉन्सर, पर लेकिन डिजिटली अगर बैकबोन सपोर्ट प्रोवाइड कराना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काम किया गया इसको भी देखने वाला जो था, इंप्लीमेंट करने वाला ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। क्वेश्चन एक स्टेट में ये पूछा गया डायरेक्टली एक एग्जाम में कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो किसके अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। ये जो पर्टिकुलर ऐप रहेगा या पर्टिकुलर जो वेबसाइट वगैरह रहेंगी, तो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस के बारे में बात की गई, जहां पर पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्शन कैसे करना है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। अब इन सब को इंप्लीमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत है, तो यहां पर इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते थे। तो एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके प्राइमरी हेल्थ सेक्टर हमारे देश के अंदर में, खासकर ग्राउंड लेवल पर गांव में दूर दराज वाले एरिया में। फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोसिस प्रोवाइड कराया जाए आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत में, और काफी लार्ज स्केल पर टारगेट किया गया अलग अलग लेवल पर, जिसके चलते यहां पर ये चीज देखने को मिली। तो कैसी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहां पर ये वाली। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप लोगों की पूरी एक स्कीम कवर हो गई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमारे देश में जो सरकार है उसने यहां पर इसको अप्रूव किया था। बात की जा रही है किसके बारे में, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के बारे में। मुद्दा क्या था मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं, बेसिकली हमारे देश के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई, और फोकस किस पे था, ये था पीवीटीजी। क्या होता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी या फिर ट्राइबल ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, मतलब जैसे ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंदर में और ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बोल देते ना कई बार की ई ओबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड हो गया, इसके अंदर भी और ज्यादा बैकवर्ड हो गया, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान जो के बारे में बात करें यहां पर, तो इसको बोला गया कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा दो तरीके से। इसको यहां पर ये कंप्राइज करता है कई सारी स्कीम, जिसमें कुछ स्कीम सेंट्रल सेक्टर भी है और कुछ स्कीम जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, और 11 क्रिटिकल ऐसे एरिया हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के जो कि यहां पर मिलकर काम करेगी अलग अलग एरिया में, इंक्लूडिंग ट्राइबल मिनिस्ट्री, ताकि इनकी जिंदगी को इंप्रूव किया जा सके। जैसे कि पानी की सप्लाई करनी है तो वाटर मिनिस्ट्री आएगी, इंटरनेट की सप्लाई करनी है तो वो वाला मिनिस्ट्री आएगा, टेलीकॉम वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन करना है यहां पर, आंगनवाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, स्किल डेवलपमेंट करना है तो स्किल वाली मिनिस्ट्री आ गई। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री को मिलकर बोला गया, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को मिलाकर प्रॉपर हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो यहां पर आप लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको पीवीटीज बोलते हैं, ये हर एक स्टेट के अंदर में नहीं है, कुछ स्टेट है यहां पर, लगभग 18 स्टेट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अंडमान निकोबार इसमें। सबसे ज्यादा ये जो कम्युनिटी है ये उड़ीसा के अंदर में पाई जाती है, उड़ीसा स्टेट के अंदर में सबसे ज्यादा ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर कमीशन का नाम आप लोग यहां पर याद रखते हैं जो कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, इसको बोलते हैं देबोर कमीशन। ठीक है, तो जो देबोर कमीशन है ये यहां पर आप लोगों से कई बार पूछा गया, इसने बोला सबसे पहले कि यार हमारे पास में एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में भी कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। तो 1973 में ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, और तब से लेकर आज तक अगर आप लोग देखें, कोई आप लोगों से पूछे कितनी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है, तो टोटल मिलाकर 75 ऐसी पीवीटीज कम्युनिटी है आज के डेट में जिनके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो उनको कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया। जैसे पक्का घर की बात की गई, रोड कनेक्टिविटी की, पाइप वाटर होना चाहिए क्योंकि आज के दिन पानी अच्छा नहीं मिल पाता, उसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो हेल्थ के बारे में बात की गई, ट्राइबल वुमेन के लिए कोई बीमारी फैल गई, उनकी डेथ हो गई, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग यहां पर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कई बार, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कई सारी स्कीम आप लोगों की यहां पर देखने को मिल रही है, तो ये सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। यहां पर बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज स्कीम, यानी कि देश के अंदर में कैसे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर में हम लोग फोकस दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग मतलब आप लोगों ने क्या किया, गेहूं लेकर आए खेतों में से और गेहूं से आप लोगों ने ब्रेड बना दिया, आप लोग टमाटर लेकर आए खेतों में से टमाटर आप लोगों ने टमाटो सॉस बना दिया, इसी के साथ में आप लोग आलू लेकर आए आप लोगों ने उसका चिप्स बना दिया, तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है। आम लेकर आए आम का अचार बना दिया, नींबू लेकर आए नींबू का अचार बना दिया, आंवले का अचार खा लो आंखों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज सोच सकते हो आप लोग। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज PMFME, ये जो स्कीम है इसके बारे में आप लोग याद रखना, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और एंटरप्राइज के द्वारा, जिसको MOFPI आप लोग बोलते हो। कैसी स्कीम है ये? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है? जहां पर काम किया जाता है बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर, मैंने बताया था ना अभी, ठीक है। एम क्या है यहां पर, कैसे हम लोग मॉडर्नाइज कर सकते हैं अपने देश के अंदर में, ताकि छोटे छोटे उद्योग बनाए जा सके। आप लोग सोचो जैसे मेरे पास में खेत है, ठीक है, हम अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं, जो सुगर कैन जो कि हम लोग उगाते हैं, अगर हमारे पास में कोई छोटी सी मशीन ऐसी हो कि हम लोग उससे चीनी बना सकें अपने घर पर ही बैठकर, तो मील के अंदर में लाइन लगाकर हम लोग को खड़ा ना होना पड़े, हम लोग चीनी बना के वहीं से ही बेचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप लोग किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। आप लोग मान लीजिए सिटीज के अंदर में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोग को अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करना है कोई खाने से रिलेटेड, ठीक है, घर पर कोई इस तरीके से है कि कोई आप लोग के आसपास में कोई बाग है, आप लोग वहां से आंवला लेकर आंवले का अचार बनाकर बेचना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आसानी से आप लोग उसको बना भी सके और बेच भी सके। तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर ये स्कीम निकल कर आती है, और आज से नहीं है ये, बहुत ही पुरानी है, लगभग 2021 में इसको लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए, तो अभी फिलहाल ये स्कीम जो है वो कंटिन्यूटी में चल रही है। तो ये क्या है, ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, यानी कि छोटे छोटे हम लोग उद्योग बना दें ताकि चीजें आगे चले, और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट निकल कर आ जाए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए क्योंकि जरूरी रहेगा, तो ऐसे बहुत ही बेसिक चीजें का ये ट्रेनिंग कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी साथ में लेकर चलना है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो ये किस स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है, अगर डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे देश के ऊपर कई बार उंगली उठाई जाती है कि हमारा देश जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा नहीं करता है, तो यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो फंड है यहां पर ये उसी पर्पज के लिए एक फंड निकाल कर लेकर आया गया था, ताकि R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारे देश के अंदर में खर्चा किया जा सके। ये एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो होता है ना हमारा, जो बेसिकली स्पेस के फील्ड में आप लोग देखते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही आप लोगों को यहां पर DRDO देखने को मिलता है, जो कि अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आप लोगों के सामने निकल कर आता है। प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट पीरियड आप लोगों को 2 ईयर का देखने को मिलता है, जिसके तहत यहां पर काम किया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि कैसे हमारे देश के अंदर में जो MSME है, MSME मतलब छोटे छोटे काम धंधे लघु उद्योग जिनको आप लोग बोलते हो, उनका इस्तेमाल कर कैसे हम लोग आज की डेट में अपने देश के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लेवल पर हम लोग पब्लिक और प्राइवेट यानी के सरकारी और जो प्राइवेट वाले हैं उनको मिलकर हम लोग काम करा सकते हैं, इससे फायदा क्या होगा, सोच के देखो, सारी चीजें हमारे ही देश में बनने लगेंगी, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी आप लोगों को सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में जब कोई प्रोडक्ट अपने ही देश में हम लोग बनाएंगे तो सीधी सीधी बात नहीं कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, यानी कि लोगों के लिए जॉब भी जनरेट होती नजर आएगी, और देश का पैसा जो है बाहर नहीं जाएगा, घर का पैसा जो है घर में रहेगा, तो कितने सारे फायदे हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, खासकर ये मिलिट्री में अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं, खासकर डिफेंस के फील्ड में, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप रहेगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं। मान लीजिए USA ने वही टेक्नोलॉजी तो हमको बेची, वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दी, तो क्या फायदा है, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं युद्ध में एक दूसरे के, तो इससे जो है स्ट्रेटजिकली काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम लोग एडवांस रहेंगे अपनी टेक्नोलॉजी में तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, और पता चला टाइम आने पर किसी ने दी भी ना तो भी दिक्कत देखने को मिलेगी, तो इसलिए ऐसा फंड और स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इस स्कीम के लिए तो मैं सरकार को थैंक्स भी बोलना चाहूंगा, ये एक ऐसी स्कीम आप लोग बोल सकते हैं जिसने काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया। COVID-19 के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे बढ़ई हो गया का एक तरीके से ना, मतलब कारपेंटर हो गया, या फिर एक नाई हो गया, ठीक है, या फिर दर्जी हो गया जैसे टेलर हो गया, या फिर जैसे नहीं जो मिस्त्री हो गए काम करने वाले,
तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत। यह एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसने डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दिया। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में यहां पर पर्टिकुलर जो इंसान है वो अप्लाई करते हैं, तो इस स्कीम के तहत में उनका अपलिफ्टमेंट किया जाता है। स्किल जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन फील्ड है उसके लिए खासकर ये पर्टिकुलर अगर बात करें ओबीसी सेक्शन से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को फोकस देते हुए नजर आए। और नेम जो ड्राइव किया गया यहां पर विश्वकर्मा, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो एक तरीके से बनाने वाले हैं चीजों को, डिजाइनर आर्किटेक्चर आप लोग बोलते ना किसकी ये चीज का बनाने वाला है, तो नाम वहां से ड्राइव किया गया कि एक तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैन, तो उनके ऊपर फोकस यहां पर देने के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। 18 ट्रेडिशनल अलग अलग एरिया इसके अंदर में कवर किए गए, वो भी पहली बार देश के अंदर में। यहां पर बेसिकली फोकस क्या किया गया कि क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा अप टू 1 लाख का, यहां पर पहले में अगर बात करें, सेकंड में 2 लाख का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में कंसेशन भी रहेगा, जब इंटरेस्ट रेट यहां पर उल्टा पेमेंट करेंगे तो 5% की इंटरेस्ट में भी डिस्काउंट इनको दिया जाएगा। तो स्किल अपग्रेडेशन के साथ साथ में एक सपोर्ट यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि जिस इंसान के पास में कुछ नहीं है उसको स्किल प्रोवाइड करा के थोड़ी सी उसको उसके पैरों पर खड़े कर देना। एक नहीं कहते कि सामने वाले को मछली पकड़ना सिखाओ, उसको मछली पकड़कर मत दो ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो विश्वकर्मा एक ऐसी स्कीम देखने को मिलेगी जो हमारे देश के अंदर में यहां पर निकल कर आई, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना आप लोगों को कतई नहीं है, ओके। आप लोग किसी गांव में रहते हैं, उस गांव के आसपास में कोयला है बहुत ही लार्ज स्केल पर, कोयला वहां से निकाला जाता है और उस पर्टिकुलर कोयले का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है देश के अंदर में अलग अलग जगह पर बिजली बनाने में या फिर और किसी एरिया में कोई फैक्ट्री चलाने में। और आप लोगों का गांव जो है वो पिछड़ा का पिछड़ा पड़ा हुआ है, मतलब रिसोर्सेज आप लोगों के गांव में से निकाले जा रहे हैं, आप लोगों के गांव के अंदर में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ है नहीं है। तो इसके चलते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का एक सेटअप किया गया हमारे देश के अंदर में, 644 डिस्ट्रिक्ट और 23 स्टेट के अंदर में, जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री, ये बेसिकली खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत में यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। मतलब क्या, एक ऐसा एरिया जहां से कोई भी यहां पर रॉ मटेरियल अगर निकाला जा रहा है तो उस एरिया में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसके ग्राउंड लेवल पर, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो उस पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यहां पर लेकर आया गया ताकि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। इसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार यहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है, टोटल फंड कलेक्ट किया जा रहा है अलग अलग लेवल पर। और ये एक ऐसी स्कीम है जो कि अच्छे लेवल पर ग्राउंड लेवल पर फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर बेसिकली 2015 से चीजें स्टार्ट की गई और अब तक यहां पर ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काफी लार्ज स्केल पर सेटअप किए जा चुके हैं इसके सिस्टम। तो स्कीम के बारे में एटलीस्ट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। अच्छे, इसमें कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें मिनिस्ट्री का नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी यहां पर, मिनिस्ट्री क्योंकि माइनिंग के बारे में बात की जा रही है तो कॉमन सेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यहां पर काम करती हुई नजर आएगी। दूसरा, जिसके अंदर में जो पैसा जाएगा उसका टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 60% पैसा जो रहेगा वो कहीं पे जाएगा, वो हाई प्रायोरिटी एरिया पर जाएगा, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हेल्थ केयर हो गया, इसी के साथ में यहां पर एजुकेशन हो गया या फिर इन्वायरमेंट हो गया, तो इसके ऊपर ज्यादा पैसा जाता हुआ नजर आएगा जिसको यहां पर सपोर्ट किया जाएगा। 40% जो बचा हुआ पैसा है वो फिर कहां पर जाएगा, वो यूटिलाइज किया जाएगा जैसे कि कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कोई ढांचागत विकास करना ना, ठीक है, इरिगेशन करना यहां पर, ठीक है, एनर्जी यहां पर बेसिकली उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराना, तो इस तरीके के एरिया में फिर 40% जाएगा, यानी कि इंसानों की जरूरत वाले में 60% जाएगा और यहां पर 40% जाएगा ताकि उनकी लाइफ को जो है वो सही एक तरीके से सपोर्ट किया जा सके, जहां पर बहुत सारी दिक्कत देखने को मिली है अलग अलग तरीके से। वरना दुनिया भर का कोयला निकलता है उस एरिया में, लोग जो है वो बेसिकली बहुत ही दयनीय कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये रैंप क्या है, RAMP बोला गया, राइजिंग एक्सेलरेटिंग MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको हम लोग कैसे बनाकर आगे चल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देने के लिए ये स्कीम आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है, जिसका नाम याद रख लीजिएगा रैंप प्रोग्राम या फिर रैंप स्कीम। इसमें अभी नई चीजें ऐड की जा रही हैं
ताकि इसको और अच्छे लेवल पर सपोर्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि अभी आई है ताजी ताजी, 2022 में इसको लॉन्च किया गया और क्वेश्चन पूछे गए थे कई बार कई सारे एग्जाम्स में कि किसके द्वारा सपोर्ट की जाती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली स्कीम है। इसका एम क्या है? एम है कैसे हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं देश के अंदर में, और कैसे पॉलिसी प्रोवाइडर, नॉलेज प्रोवाइडर और यहां पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ये पर्टिकुलर एरिया बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। अभी जो एक्स्ट्रा चीजें इसके बारे में जो आप लोग समझ सकते हैं वो क्या है कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट की जा रही है, ये तो मैंने बता दिया, पर लेकिन यहां पर प्लस में आप लोग याद रखिएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को यहां पर देती हुई नजर आएगी इस पर्टिकुलर स्कीम को सपोर्ट करने के लिए। रीजन क्या था? हमारे देश के अंदर में जो हमारे एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उनकी कमर टूट गई थी कोविड-19 के टाइम पर। तो कोविड-19 के टाइम पर जब इनकी कमर टूटी तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है, वरना ये मुंधे मुंह जमीन में पड़ेंगे और सारी चीजें जो है बर्बाद होती नजर आएगी। तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई इस चीज को सही लेवल पर और लेकर चलने के लिए। इसका डेवलपमेंट आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आया, यानी कि ये स्कीम इसीलिए यहां पर प्रोवाइड कराएगी ताकि और ज्यादा अच्छे लेवल पर हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग जो है उनको आगे लेकर चल सके। किसके द्वारा इसका रिकमेंडेशन दिया गया? कोई एक कमेटी नहीं थी, कई सारी कमेटी थी। कोई बोलता है कि यूके सिन्हा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया, कोई यहां पर बोल रहा है कि केवी कामत कमेटी ने बोला, मतलब एक तरीके से एडवाइजरी जो कई सारी कमेटी थी यहां पर, इवन एडवाइजरी जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा भी रिकमेंडेशन दिया गया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो कोविड-19 की वजह से उनकी दही टूट चुकी है, कहते नहीं देसी भाषा में दही टूट गई, तो वो काम हो गया। इवन एक्सपर्ट जो कमेटी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यूके सिन्हा साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने भी बोला था यहां पर कि इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा। और इसी के चलते फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने यहां पर अनाउंस किया बजट के अंदर भी ताकि इस स्कीम को जो यहां पर इन सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। और वर्ल्ड बैंक को भी समझ में आया, वर्ल्ड बैंक क्यों कूद कराया? क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, अगर ये डूबा तो देश के अंदर में दिक्कतें देखने को मिल सकती है बहुत बड़ी, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक तक का यहां पर सपोर्ट करने आ गए। ठीक है, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, जिसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं। तो और देश में जीडीपी में आप लोग याद रखेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इसलिए भी है क्योंकि लगभग देश की जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको सकल घरेलू उत्पाद आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसका लगभग 30% यहां पर इसी से निकल कर आता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो इतना बड़ा पोर्शन जब जीडीपी का एक ऐसे एरिया से निकल कर आता है और वो एरिया अगर किसी रीजन की वजह से अगर डूब जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसका अंदाजा आप लोग अपने आप लगा लो। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद वो भी 30%, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कितना बड़ा एरिया ये हो जाता है यहां पर। तो इससे आप लोग सोचिए कि कितनी बड़ी चीज यहां पर ये सामने निकल कर आती है। तो जरूरी है इसको सपोर्ट करना। तो वर्ल्ड बैंक कहीं पर आ रहा है ना, या फिर वर्ल्ड बैंक का कोई सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज्यादा ही दिक्कत वाला एरिया है उसके ऊपर काम करने की बात है, वरना दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर वर्ल्ड बैंक भी आप लोग को इजिली सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, छोटे छोटे फिर उससे बड़े थोड़े से लघु और फिर मध्यम, उनके लिए, लार्ज उद्योगों के लिए नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग घर अपने घर पर ही आसपास में कुछ अपना काम धंधा स्टार्ट कर दें तो ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्कीम है रैंप प्रोग्राम, याद रखना। अब यहां पर जिनको शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बारे में पता है उनको भी कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों अलग अलग एक तरीके से अपने देश के अंदर में डिवीजन है, हमारे देश की सोसाइटी के अंदर में। शेड्यूल कास्ट जो होता है उसका नाम कुछ और होता है हिंदी में, और शेड्यूल ट्राइब है उसको कुछ होता है। शेड्यूल कास्ट को हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बोलते हैं वो बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब को, यानी कि अनुसूचित जाति तो हो गया शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति वो हो गया शेड्यूल ट्राइब। नॉर्मली स्कीम का नाम इंग्लिश में रखते थे पर लेकिन यहां पर क्या रखा है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, यानी कि बात किसके बारे में की जा रही है, बात की जा रही है शेड्यूल कास्ट के बारे में। ठीक है, ना कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की जा रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 100% आप लोग को क्या रहेगा यहां पर, ये एक सेंट्रल जो बेसिकली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की गई एक स्कीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर मिलकर काम किया जाएगा। और यहां पर इसके अंदर में मर्ज भी की गई स्कीम, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से तीन अलग अलग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मर्ज की गई। तो यहां पर ये पर्टिकुलर स्कीम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है
कि कैसे हम लोग टारगेटेड पॉपुलेशन की इनकम जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को याद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 2022 तक जो है वो किसानों की इनकम डबल कर देंगे, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो टारगेट लगाए जाते हैं कि ऐसा कुछ कर देंगे, अगर अच्छी बात है अगर हो जाता है। इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2022 से, आगे देखते हैं कब तक इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ग्रांट इन एड दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट को, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए। क्या है? अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट। इसमें हॉस्टल वगैरह भी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं इनके लिए, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए शेड्यूल जो जो बेसिकली कास्ट कम्युनिटी के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके, क्योंकि एजुकेशन अगर हेल्थ हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं तो फिर सारी चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में आप लोग को इंप्रूव होती हुई नजर आती है। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, जिसके चलते हमारे देश के लोगों को हेल्प करने की बात की गई थी यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें इंडियन जो माइग्रेट होते हैं यूथ एक देश से दूसरे देश में जाते हैं अलग अलग रीजन की वजह से, उसके ऊपर काम करने की बात की गई। तो इसका प्रोजेक्ट निकल कर आया जिसको बोला गया प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, हमारे देश की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके साथ में पार्टनरशिप में मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो हमारे देश का कोई भी इंसान अगर बाहर जाता है उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, कुछ भी अगर दिक्कत होती है वहां पर, चाहे कोई वर्कर है और चाहे कोई विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट है। तो ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, पार्ट थर्ड के अंदर में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के अंदर में ये आप लोगों को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में आर्टिकल 21 ये आप लोगों को अधिकार देता है कि आप लोग कहीं भी फॉरेन में जाकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों की बॉडी के ऊपर आप लोगों का अधिकार है, अपने शरीर को लेकर आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से बाहर जाना अगर आप लोगों से कोई पूछे किसके अंदर में आते हैं तो आर्टिकल 21 के अंदर में आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जिसको IOM आप लोग बोलते हो, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1951 में। ये IOM जो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि डेडिकेटेड है प्रमोट करने के लिए ह्यूमन और एक तरीके से ऑर्डरली माइग्रेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई डंक की मूवी नहीं देखी आप लोगों ने कि ऐसे ही कोई निकलकर उधर उधर से जाकर पहुंच गया, वो नहीं होना चाहिए। मेंबर कंट्री जो है 172 मेंबर स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 8 स्टेट जो है वो ऑब्जर्वर का स्टेटस होल्ड करते हैं इसके अंदर में। इंडिया जो है वो मेंबर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ में हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर उसको दूर करिएगा, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई और एक प्रोजेक्ट का नाम भी हो गया, तो आम के आम और गुठलियों के दाम एक से दो तीर के निशाने हो गए, मतलब एक बोल सकते हैं कि आप लोगों ने एक तीर से दो निशाने कर दिए, ठीक है? अभी रिसेंटली यहां पर 19th वर्किंग जो पार्टी की आप लोगों यहां पर मीटिंग देखने को मिली डेटा कलेक्शन के लिए, बेसिकली स्टेटिक्स फॉर द इंडियन ओशियन टूना कमीशन को लेकर, ये अभी मुंबई में आप लोगों को देखने को मिली। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? देखो, एक मछली है जिसका नाम है टूना फिश, हालांकि एक मछली नहीं है, ये कैटेगरी है जिसके अंदर में एक नोमेडिक स्पीसीज पाई जाती है। नोमेडिक मतलब जो घूमती रहती है, मतलब इधर उधर, तो दुनिया भर में ये फिश पाई जाती है जो ट्यूना की होती है, इसको बोलते हैं थ्रू आउट द ओशन, जहां वर्ल्ड में है वहां वहां पर ये देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से ब्लू फिन ट्यूना जो है वो लार्जेस्ट है एंड मोस्ट प्राइज फिश है अगर दुनिया में देखिए, बहुत ही महंगी फिश की कैटेगरी में आती है। इसकी वजह से कई बार इनका ओवर एक्सप्लोटेशन होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, इनको ओवर फिशिंग की वजह से इनडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो उनको सिस्टमेटिक वे में इस्तेमाल करना भी फिर जरूरी है। इसके अंदर में आप लोगों को नॉर्थ बफिन ट्यूना, इसी के साथ में येलो फिन ट्यूना, सदर्न ब्लू फिन ट्यूना, अलग अलग तरीके की ट्यूना फिश देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहां पर इसको कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है 105वें सेशन में इसका उद्घाटन किया गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए इंडियन ओशन के अंदर भी, ठीक है? तो यहां पर इसका उद्घाटन किया गया 25 नवंबर 1993 में कि ऐसा कुछ होना चाहिए, अडॉप्ट किया गया, फिर रियलिटी में इसको बनाया गया ये 1996 में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं सस्टेनेबल फिशरी रिसोर्सेज को लेकर, ऐसा नहीं कि आप लोग बस एक ही देश जो है वो सारी फिश निकालकर बेचकर खा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्यूना फिशरी है वर्ल्ड के अंदर में अगर बात करें, करेंटली 31 यहां पर कंट्री यानी कि पार्टीज मिलकर काम करती है ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। तो बहुत ही बेसिक से है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ट्यूना के बारे में बता दी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है अगर आप लोगों से कोई पूछे,
तो ये आप लोग बेसिकली याद रखते हैं इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन का। चलिए आप लोग, क्वेश्चन मैंने कोई दिया नहीं ना आप लोग को चलिए क्वेश्चन है, आप लोग जाकर इसको सर्च करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, क्रिएट कहां पे किया गया ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडियन ओशन के अंदर ये कंट्री है जहां पर आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर बोला जाए तो आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर लिखा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सेशल्स के अंदर में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, विक्टोरिया सेशल्स इसके अंदर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज आना नहीं है, ओके। एक ऐसी चीज जिसमें इंडिया के अंदर में कुछ अगर आप लोगों को देखने को मिले और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्वेश्चन के बनने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं, और वैसे एग्रीकल्चर के बारे में है और सोसाइटी पर इसका इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि सुगर के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा समझ सकते हैं। इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सुगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात की जा रही है। इसकी बेसिकली इंडिया के द्वारा लीड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सुगर सेक्टर को, जो कि इसका चेयरशिप जो है वो आप लोगों को इंडिया के पास देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर ये कैसी बॉडी है जो कि दुनिया में सुगर यानी कि चीनी को लेकर बात करती है। इसके अंदर में जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टोटल मेंबर है, अगर उसके बारे में बात की जाए इसका, तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखना, हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर में, ठीक है। यानी कि अंग्रेजों ने अपने वहां पर चीनी का हेडक्वार्टर रख रखा है, ठीक है। तो यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेसिकली चीनी खाने वाले जो देश है उसमें से आप लोगों को इंडिया देखने को मिलेगा, और हेडक्वार्टर कहीं और बना रखा है। दुनिया में टोटल 87% जो वर्ल्ड की जो सुगर प्रोडक्शन कंट्री है, और 64% जो वर्ल्ड की सुगर कंजप्शन यानी कि खाने वाले भी और पैदा करने वाले भी, ये सारे इस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर 88 नेशन है इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था 1992 में, आप लोग ये याद रखते हैं। जो इंटरनेशनल सुगर ये एक तरीके से एग्रीमेंट देखने को मिला था, एम क्या था, कैसे सुगर रिलेटेड जो मैटर है उसके बारे में बात कर सकते हैं, इसकी मार्केट को कैसे लेकर चल सकते हैं, सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो ही चीजें जो है वो आगे बढ़ेगी। इंडिया जो है वो टॉप कंट्री में आता है सुगर प्रोडक्शन के मामले में भी, और सुगर एक तरीके से कंजप्शन के मामले में भी। और हमारे देश के अंदर में तो माहौल भी है गन्ना, अगर मैं अपने एरिया के बारे में बताऊं, हमारे अगर खेतों के बारे में बात करें उसमें से 80% खेतों में जो है गन्ना उगाया जाता है, ज्यादा ही बोल के थोड़ा भी और ज्यादा ही बता सकते हो। 21 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 75 से लेकर 100 के करीब सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है नॉर्मली अगर बात करें, ठीक है, इन मैटर में हमारे देश के अंदर में। तो ये याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये बेसिकली हो गए, और सदर्न में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे देश के अंदर में जब बात करते हैं। एक टारगेट है अभी आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में कि हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी काम कर रहे हैं, तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा 2025 तक का हमारा टारगेट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग को करनी है 20%। तो ये पेट्रोल के अंदर में हम लोग मिला रहे हैं ताकि बाहर के देश पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। तो यहां से अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे तो कंफ्यूज आना नहीं है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों को बेसिकली यहां पर एरिया देखने को मिलेगा जहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों से किसके बारे में, नोरो वायरस के बारे में, वायरस है, नोरो वायरस है, और यहां पर बात की जा रही है यूके के अंदर में अभी लगभग 1500 के करीब इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो यहां से निकल कर आ गए। ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जिससे यहां पर पेट के अंदर में और जो इंटेस्टाइन है यानी कि आंत के अंदर में आप लोगों को इन्फ्लेशन यानी कि सूजन देखने को मिली। सबसे पहले यहां पर ये पूछा जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करता है। भाई साहब सबको एक हाथ से लेता है, किसी को नहीं छोड़ता, आप लोग ये बोल सकते हो कि ऑल एज ग्रुप जो है वो इसके अंडर में आप लोग यहां पर आते हुए नजर आएंगे। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। डायरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, वोमिटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, स्टोमक यानी कि पेट के अंदर में दर्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोल सकते हैं, और भी कई सारी दिक्कतें आप लोगों को यहां पर नजर आती है। पूरी दुनिया के अंदर में यहां पर लगभग 685 मिलियन, मिलियन का मतलब समझते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में 10 और लगा लो तो इतने लाख लोग जो हैं वहां पर इसकी वजह से आज की डेट में दुनिया भर में इंपैक्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लो, ये बता दो कितने करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। अभी अगर बात करूं मैं आप लोगों से, लगभग 200 मिलियन के करीब जो लोग हैं इसके बारे में अगर बात करूं तो वो तो बच्चे आप लोगों को नजर आएंगे इससे इंपैक्टेड होते हुए, और यंग बच्चे और यंग, और बाकी 50,000 बच्चों की तो जान चली जाती है हर साल इसकी वजह से, ये भी बातें बताई गई। आप लोगों को पता होगा बच्चों को अगर दस्त लग जाए तो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है बच्चों के लिए, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो अभी न्यूज में आया
तो कंफ्यूजन होने चाहिए इसके बारे में, हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर रख सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी है जो कि अभी देखने को मिली। हम क्यों डिस्कस करने इसके बारे में, क्योंकि हमारे देश के अंदर में केरला के अंदर में भी इसके इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखने को मिले, जिसकी वजह से ये और ज्यादा न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो इसके चलते लगा कि यार अब तो मतलब एक तरीके से ना दिक्कत ही हो रही है यहां पर। और कई बार ना एक अलग, हम बाहर रहते हैं उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, कॉन्टेमिनेटेड फूड सबसे खतरनाक एक ऐसी चीज है जिससे बचना चाहिए आप लोगों को हमेशा, वरना दिक्कत क्रिएट कर देता बहुत बड़े वाली। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जिसका नाम है लंपिंग स्किन डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग LSD बोलते हो। पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा अभी इसके बारे में जिक्र किया गया तो और ज्यादा ये न्यूज में आ गई यहां पर, क्योंकि इसके चलते हमारे देश के अंदर में जो जानवर हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। और सबसे खतरनाक चीज क्या है, एक जानवर को मान लीजिए ये बीमारी है, उसके ऊपर जो मक्खियां वगैरह बैठी हैं, मॉस्किटो है या फिर कुछ भी ऐसा कीट पतंग है, वो इस जानवर से किसी दूसरे इंसान के, दूसरे जानवर के पास में गया, तो एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत ही आसानी से ये बीमारी फैलती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। पॉजिटिव बात आप लोग क्या बोल सकते हो यहां पर, पॉजिटिव बात ये बोल सकते हो कि एक जूनोटिक बीमारी नहीं देखने को मिली। जूनोटिक बीमारी कैसे होती है, जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो कि यहां पर बेसिकली जो कि ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसान में फैलती है। ठीक है, एक ओवर आएगा यहां पर जूनोटिक मतलब क्या है ये बेसिकली, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये कभी भी कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह है आप लोग की जूनोटिक, तो ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, जूनोटिक वायरस नहीं है, ये जानवरों में है तो जानवरों में ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था। तो इसके चलते यहां पर बहुत सारे जानवरों की डेथ हुई यहां पर, और खासकर वो जानवर जो कि हमारे देश के अंदर में दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सोचो इतने सारे लोगों की जान जाती है तो क्या दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसका कोई भी डायरेक्ट एंटीवायरल नहीं था मार्केट के अंदर में, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। और जानवर की हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों के लिए एक धन की तरीके से हम लोग जानवर को देखते हैं, अगर उनकी जान जाती है तो किसान जो है उसकी कमर टूट जाती है, इसकी वजह से कई सारे किसानों ने सुसाइड तक की, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल गई यहां पर। तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाए तो आप लोगों को हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए, एक ऐसी बीमारी है जो कि इस तरीके से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बेसिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि एग्जामिनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर रिपोर्ट रहते हैं, इंडेक्सेस रहते हैं और भी कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं डायरेक्टली। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग इन सेंस में नहीं कि यहां पर ये मतलब अच्छी न्यूज है, इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि एग्जाम अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से पूछता है कि क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, कई बार सूखे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ड्रोथ स्नैपशॉट रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो पूछा आप लोगों से कोई ग्लोबल ड्रोथ स्नैपशॉट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो UNCCD के द्वारा यहां पर प्रस्तुत की जाती है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्या दुनिया भर में यहां पर ये ड्रोथ जो है ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है या फिर ये इंडिया में हम लोग इसके बारे में बस बात करते हैं, तो आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। तो ये दुनिया भर में इंपैक्ट डालता है, जैसे मेडिटेरेनियन, अच्छा UNCCD क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर जहां जहां पर मरुस्थलीकरण हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। 70% जो कि सीरियल्स क्रॉप होती है वो एक तरीके से डैमेज हो गई मेडिटेरेनियन सी में, मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं। 33% जहां पर जो घास वगैरह चरते हैं जानवर, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज्यादा थी, वो खत्म हो गई। 75% जो है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली बात की जा रही है रिड्यूस हो गया कार्गो कैपेसिटी में, जो कि सम वेसल जो थे कहां पर, ये है बेसिकली राइन वाले रीजन में। ठीक है, जो भी यहां पर लो रिवर जो लेवल रहा उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। 5 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो चाइना के अंदर में अफेक्टेड हुए, जो बेसिकली यतांज रिवर है, क्वेश्चन कई बार बनता है कहां पर है ये, चाइना के अंदर में है। इसी के साथ में 85% जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए ड्रोथ अलग अलग लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर में। 2 मिलियन के करीब जो लोग थे वो सेंट्रल अमेरिकन जो एक तरीके से ड्राई कॉरिडोर है उसके अंदर में फूड की वजह से दिक्कतें यहां पर देखने को मिली, ड्रोथ हीट वेव और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल। तो यानी कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लोग चिल्ला रहे हैं वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर यहां पर बर्बादी करता हुआ नजर आ रहा है, जो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ग्लोबल ड्रोथ स्नैपशॉट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे तो 1994 में बनाई गई थी और हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा कहां पर, बेसिकली बोन जर्मनी के अंदर में। और इसका ऑफिस जो है आप लोगों को, नॉर्मली हेडक्वार्टर की बात आप लोगों से कर रहा हूं, वैसे इसका ऑफिस आप लोगों को न्यूयॉर्क USA के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यह है बेसिक चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कल को अगर क्वेश्चन पूछे। और दुनिया में कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जहां पर कोई ना कोई इंपैक्ट ना देखने को मिले, चाहे साउथ अमेरिका चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे यूरोप के अंदर भी यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये हो गया बेसिकली एशिया और बेसिकली यहां पर रशिया वाला पोर्शन, तो हर जगह इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को इसकी वजह से देखने को मिला। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बनते हैं, यहां पर बात की जा रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हमारे देश के अंदर में डेटा प्रस्तुत करता है। इसने ये बताया कि दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा एफआईआर रजिस्टर हुई, यानी कि दिल्ली के अंदर में आप लोग ये बोल सकते हो ज्यादा लोग जागरूक हैं। ये एनसीआरबी जो है ये कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिससे ये पता चलता है कि क्या क्या चल रहा है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट वुमेन और जो बच्चों के खिलाफ होता है यही प्रस्तुत करता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। एक्सीडेंटल डेथ यानी कि रोड एक्सीडेंट और जो सुसाइड करते हैं देश के अंदर में कोई भी, यही ऑर्गेनाइजेशन बताती है। जो जेल के अंदर में लोग हैं उनके डेटा के बारे में कैसी कैसी कंडीशन है, यही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी यहां पर ये दो बेसिस पर काम करती है, इंडियन पेनल कोड और स्पेशल एंड लोकल जो लॉज होते हैं उनके हिसाब से। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ये और काम करती है कि यहां पर ब्यूरो जो है वो कलेक्ट करती है डेटा, जो क्राइम स्टेटिक्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो डेटा है मंथली, उसको भी ये कलेक्ट करती हुई नजर आती है। तो दिल्ली के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल पर न्यूज में ही आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो कि रिसेंटली अभी यहां पर आप लोगों को ये कंप्लीट भी होती नजर आई, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि अगर क्वेश्चन यहां से बने तो आप लोगों का कम से कम क्वेश्चन है छूटे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो सारी बातें बेसिक करके मैं आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि ऐसी जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि रीजन क्या है, रीजन सीधे सीधा आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया भर की जो कंट्री है उनके द्वारा यहां पर शिरकत किया गया इसके अंदर में, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर ये जो मीटिंग थी सबसे पहले तो किसके द्वारा होस्ट की गई, तो याद रखेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको होस्ट किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को, मतलब किसके द्वारा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसके द्वारा होस्ट किया गया। तो यहां पर हमारे देश के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया आप लोग ये बोल सकते हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया काफी शानदार तरीके से, जो कि 28 जो पार्टी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। बहुत ये की जा रही है कि यहां पर 70,000 के करीब डेलीगेशन अलग अलग लोग यहां पर जाकर पहुंचे, जिसके चलते इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा लोगों का। ये जो पार्टी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, तो यहां पर किसकी पार्टी है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको बोलते हैं यूएनएफसीसी। ठीक है, तो UNFCCC की आप लोगों को यहां पर ये पार्टी देखने को मिलती है, जिसके अंदर में यहां पर काम किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होस्ट की गई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और बेसिक फोकस क्या रहा, हम लोग काम करेंगे जल्दी से जल्दी कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आने वाले टाइम में क्लाइमेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहां पर पार्टिसिपेट किया गया था इस पर्टिकुलर मीटिंग में, जो कि समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर बोलेगी कि इंडिया के लिए बोला गया कि क्या हम लोग होस्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, यानी कि 2028 में हम लोगों ने बिड लगाई कि हम लोग इसको होस्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग को। ठीक है, तो इसी के साथ में टारगेट भी रखा जा रहा है कि कैसे कैसे हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में बात की गई, इंडिया ने बोला कि यहां पर इसके ऊपर ही फोकस देना चाहिए कि कैसे हम लोग ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर हम लोग को काम करना चाहिए। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर देखने को मिली थी, इसके अंदर में लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। और यहां पर इसी के अंदर में फोर जो कैटेगरी है इसके अंदर में 14 इंडिकेटर है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 40%, रिन्यूएबल एनर्जी को, एनर्जी रियूज को और एनर्जी यूज को, और यहां पर क्लाइमेट पॉलिसीज को। तो टोटल मिलाकर 14 इंडिकेटर को यहां पर 100% इसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया ताकि चीजों को लेकर चला जा सके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करें तो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, यह जर्मन वॉच और इसी के साथ में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन इसके द्वारा, और ये नेटवर्क एनुअली 2005 से इसको प्रस्तुत करता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर लोग अपनी पॉलिसीज बनाए क्लाइमेट को लेकर। ये पर्टिकुलर जब इंडेक्स प्रस्तुत किया गया तो याद रखना इसके अंदर में 3 टॉप की जो थी वो खाली सीट थी, इनको किसी को नहीं लगा कि यहां पर सबको ये पोस्ट मिलनी चाहिए। और अच्छी बात क्या थी कि टॉप 10 के अंदर में इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर था। सबसे टॉप पर डेनमार्क था, फिर इस्टोनिया था, फिर फिलिपीन था, फिर इंडिया था, जिसने क्लाइमेट के फील्ड में काफी शानदार परफॉर्मेंस अपनी दी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी इंडिया यानी कि भारत के लिए। तो ये बेसिक चीज आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना नहीं है।
और कुछ याद रखना है इसके बारे में, याद रखना मत रखना पर, लेकिन इतना याद रख लेना कि एमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है 2011 से। ये बेसिकली कैसे कैसे एमिशन हो रहा है और कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करती है ये रिपोर्ट। टाइम प्रेचर जो है वो न्यू हाइट पर पहुंच गया, अभी रिसेंटली जो इसका एडिशन आया उसके अंदर में इसके द्वारा ये बातें की गई है। और ग्लोबल लेवल पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर काम करने की बात की गई अनकंडीशनल वे में, ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, वरना आने वाले टाइम में सारे ग्लेशियर पिघलकर जो है वो समुद्र में जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे और ग्राउंड लेवल पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बातें इसके अंदर में यहां पर की गई। ओके, ये कैसी न्यूज है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज जो है वो धूलमित करती है कि इंडिया के अंदर में लोगों को गाड़ी चलाने की सुध बुध नहीं है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी में इंडिया के अंदर में रोड एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, ये खतरनाक चीज है, और इंटरनेशनल लेवल पर रोड एक्सीडेंट घट गए हैं, यानी कि दुनिया समझदार हो रही है और हम लोग जो है वो बेवकूफ हो रहे हैं, आनन फानन में गाड़ियां चलाते हैं। रोड एक्सीडेंट डेथ जो है वो दुनिया में 5% घट गई है, पर नंबर जो है इंडिया के अंदर में बढ़ रहे हैं, ये खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया जो कि इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, द ग्लोबल बर्डन ऑफ द रोड जो ट्रैफिक डेथ। तो यहां पर पहले तो रिपोर्ट का नाम कौन प्रस्तुत करता है, 2023 में इसका फिफ्थ एडिशन प्रस्तुत किया गया था ताकि इसके बारे में पता चल सके। और रीजन क्या है इसको प्रस्तुत करने का, टारगेट ये है कि 2030 तक का काफी लार्ज स्केल पर हम लोग जो डेथ होती है रोड जो रोड एक्सीडेंट की वजह से उनको हम लोग डिक्रीज कर सके, इसके ऊपर फोकस है। इंडियन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर, हमारे देश के अंदर में मतलब एक एवरेज बताता हूं मैं, हर साल लगभग 5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है, और सॉरी 5 लाख के करीब रोड पे एक्सीडेंट होते हैं 5 लाख, और इसमें से 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इसके बारे में बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। और दिक्कत कब निकल कर आती है, जब ये चीजें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। रिपोर्ट है पर्टिकुलर इवन आर्ली बेसिस पर भी यहां पर दे रखा है कि हर घंटे जो है उसके बारे में बात बता रखी है, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहां पर 2022 में यहां पर 53 एक्सीडेंट जो है वो पर घंटे इंडिया के अंदर में देखने को मिले, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हर एक घंटे के अंदर में 53 लोग जो है रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है यहां पर ये, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए यहां पर, और फिलहाल के टाइम पर भी डेटा जो है वो यहां पर इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, दुनिया के कंपेयर में हमारे यहां पर ज्यादा डेथ होती है। सामान को एक जगह से लाना और ले जाना जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक मतलब आप लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो, जितना आसान रहेगा उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा और उतना ही पॉजिटिव इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है LEADS के बारे में, यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, ये बात की जा रही है। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब के द्वारा रिलीज किया गया, जिसको यहां पर LEADS बोला गया। ये रिपोर्ट आती है कैसे कैसे काम चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में कोस्टल एरिया में लैंडलॉक एरिया में कहां कहां पर कैसे कैसे चीजें हैं, कौन अचीवर है, कौन यहां पर फास्ट मूवर है, ये बात बताई गई। कोस्टल एरिया में टॉप आंध्र प्रदेश है, फास्ट मूवर केरला है और एस्पायरेंट गोवा है। अगर लैंडलॉक कंट्री में लैंडलॉक एरिया में बात करें तो हरियाणा टॉप अचीवर है, फास्ट मूवर यहां पर मध्य प्रदेश है और एस्पायरेंट जो है वो बिहार है। अचीवर में कौन है यहां पर आसाम है, जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वालों में, फास्ट मूवर अरुणाचल प्रदेश है और एस्पायर कर रहा है मणिपुर। अचीवर में कौन है यहां पर चंडीगढ़ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी में, और यहां पर फास्ट मूवर में अंडमान है और एस्पायर कौन कर रहा है, ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, छोटी दमन एंड दीव। तो अगर किसी भी एरिया में आप लोग आते हैं तो अपना एरिया देखेगा, उसके हिसाब से एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है आप लोगों के एरिया में इन सब चीजों को लेकर। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि हम लोग को हमेशा गर्व फील कराती है, ठीक है, हम लोग को कभी भी एक तरीके से नेगेटिव नहीं फील कराती। इंडिया के द्वारा यहां पर लार्जेस्ट रेसिपिएंट देखने को मिला रेमिटेंस का। रेमिटेंस क्या होता है, बाहर से हमारे देश के अंदर में भेजा गया पैसा, ये वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। तो वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इसमें प्रस्तुत किया जाता है यहां पर, जो कि प्रिपेयर किया जाता है यहां पर बकायदा कि किस तरीके से देश में दुनिया में लोग इधर उधर घूम रहे हैं और कैसे पैसा भेजते हैं, प्रिपेयर किया जाता है माइग्रेशन एंड द रेमिटेंस यूनिट डिपार्टमेंट जो यहां पर इकोनॉमिक है, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है यहां पर किसके अंदर में, बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंदर में। इनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है ट्वाइस ए ईयर, इनके साल में 2 बार बता देते हैं भाई साहब कितना कितना पैसा आ गया। टॉप 5 रेमिटेंस में आप लोगों देखो आसपास में भी नहीं, कहते आधे में गांव और आधे में राम, इंडिया 125, ये बेसिकली बात की जा रही है बिलियन डॉलर के बारे में, जबकि दूसरे नंबर पर मेक्सिको है, बहुत पीछे है, फिर चाइना है, ऐसे सोच सकते हैं। सबसे ज्यादा पैसा कहां से गया, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है।
फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के साथ में जो रिमिटेंस जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जाता हुआ नजर आता है, ये 3.8%। रेमिटेंस अगर बात करें तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि COVID-19 के चलते और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते भी इंपैक्ट देखने को यहां पर काफी लार्ज स्केल पर मिला है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो टॉप पर इंडिया, फिर मेक्सिको, फिर चाइना, बहुत ही पीछे है भाई साहब, इतने टॉप पर हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से काफी अच्छी बात है, यानी कि दुनिया को हम चला रहे हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में, उसने इंडिया को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सराहा बढ़ाई की। मिलेट्स के बारे में आप लोगों को पता है, हम लोगों ने मिलेट्स यानी कि जो मोटी दाल अनाज है उसको लेकर काफी काम किया अपने देश में, और इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया 2023। ठीक है, तो ये आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर फूड की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर स्टार्ट किया 1963 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई साहब अच्छा हेल्दी फूड कंज्यूम करना है और फेयर प्राइस पर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाना जो है वो आसमान छू रहा है प्राइस उसके। मेंबर 189 कंट्री है, यानी कि लगभग यूएन के सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6 लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर बात करें स्टैंडर्ड जो है यहां पर, ये करेंटली बोलते हैं कि स्टैंडर्ड जो है यहां पर सोरगम और जो पल्स मिलेट्स हैं उसके ऊपर फोकस दिया जाए, यानी कि टाइम टू टाइम ये अलग अलग एरिया को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे ना कि कोड एलिमेंटेरियस कमीशन, यूपीएससी क्वेश्चन उठा के देखना आप लोग यहां पर, और स्टेट पीसीएस के अंदर भी, तो आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ चल रहा है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, तो इसके लिए आप लोग तैयार रह सकते हैं अपने आप को लेकर। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड न्यूज है यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरे के पूरे सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हाईएस्ट वोट जो है वो इंडिया के खाते में आई, और हम लोग बेसिकली फिर से रीइलेक्ट हो गए। तो लार्जेस्ट जो इंटरेस्ट है यहां पर, खासकर इंटरनेशनल जो यहां पर सी बोन ट्रेड को लेकर, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टर्म जो है वो 2024 के लिए आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, हम लोग रीइलेक्ट होकर यहां पर आ गए हैं। ठीक है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो कि एक तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, कहां कहां पर जहाज वगैरह ये सारी चीजें। और यूएन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1948 में हुई थी, जब इसको एस्टेब्लिश किया गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, हेडक्वार्टर लंदन में है। 175 मेंबर देखने को मिलेंगे, और इंडिया ने ज्वाइन किया था 1959 में, यानी कि बनने के 10-11 साल में हम लोगों को लगा कि हाँ होना चाहिए हमारे भी काम इसमें। अगर बात करें इसके अंदर में कई सारी कमेटी है, जैसे मैरीटाइम सेफ्टी, इन्वायरमेंट के ऊपर भी फोकस है, कुछ दिक्कत हो जाए तो लीगल भी है, टेक्निकल भी है, और इसी के साथ में फैसिलिटेट यानी कि सपोर्ट करने वाली भी है। तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को यहां पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव है, कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं रखना है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आप लोगों से काम बात की जाए, तो कोई भी एक तरीके से आप लोगों से आजकल में क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंस एंड टेक के अंदर में आप लोग यहां पर इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। बात की जा रही है GPAI के बारे में। ठीक है, तो GPAI है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको GPAI बोलते हो। इंडिया के अंदर में रिसेंटली अभी यहां पर इसकी समिट देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर में, जो कि भारत मंडप है, वहां पर 150 से ज्यादा अलग अलग इसके अंदर में एग्जीबिशन किए गए। ठीक है, कैसे इनोवेटिव एरिया है उसके बारे में बात की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, पर लेकिन थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। एम क्या था, कैसे गैप कर सकते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर में। लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर में। मेंबर कंट्री जो है वो सबके लिए ओपन है, आओ और इसका मेंबर बनो। एट प्रेजेंट 28 मेंबर है, इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है GPAI का। ठीक है, सेक्रेटरिएट आप लोगों को इसका लंदन में पेरिस में देखने को मिलेगा। तो इंडिया के अंदर में मीटिंग हुई है, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बने, तो कंफ्यूज आना आप लोगों को कतई नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां पर कई सारी कंट्री जो थी वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर में थी, अभी 6 कंट्री और इसमें ऐड हो गई है। इसका नाम है ENACT, मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इनहेंस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्सेलेटिंग द क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा कुछ हम लोगों को इस्तेमाल करना है जो कि नेचर यानी कि इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्टेड न करे। तो 6 कंट्री एंड यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा यहां पर ग्लोबल पार्टनरशिप किया जा रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर में, और जर्मनी और इजिप्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो यहां पर 2022 में जब शर्म अल शेख के अंदर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर हुई है आप लोगों को बताइए, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। क्लाइमेट इंपैक्ट जो पड़ रहा है, एटलीस्ट 1 बिलियन वनरेबल लोग आज के डेट में इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो कैसे उनको हम लोग बचा सकते हैं।
सेक्रेटरिएट जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो होस्ट करता है बेसिकली इसको, ये इस पर्टिकुलर मीटिंग को, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोस्टल एरिया आप लोगों को नजर आते हैं वैसे वैसे यहां पर आज की डेट में इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। अभी रिसेंटली जो अगर फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात करें तो कनाडा, यूरोपियन यूनियन, स्पेन, मालावी, नॉर्वे, साउथ कोरिया, जापान और यहां पर बेसिकली स्लोवेनिया, जो नए मेंबर अभी जुड़े हैं उसमें आप लोगों को लेटेस्ट देखने को मिलेंगे, कई सारे मेंबर हैं जिसमें यूएसए भी एक मेंबर देखने को मिलेगा जो अभी लेटेस्ट यहां पर एड इसके अंदर में हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे चीजों को सुधार पाते हैं आगे आने वाले टाइम में, कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लेकर काम करेंगे ताकि पृथ्वी पर जो इंपैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है उसको रोका जा सके। उन्हें कहते हैं कि धुआं कहीं उठा और आग कहीं लग रही है। आर्टिकल 370 जो है हमारे देश के अंदर में चेंज किया गया और आग लग गई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के अंदर में। पाकिस्तान पहुंच जाता है सीधा यहां पर लेकर कश्मीर, कश्मीर चिल्लाता हुआ। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बाद में, एस्टेब्लिश की गई थी 1969 में, पर लेकिन मुद्दा क्या है, बस इंडिया के अपोजिट में बोलना, इसके अलावा और कोई काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। 57 मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर जो सऊदी अरेबिया के अंदर में है, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच यूज किया था, पर लेकिन मैक्सिमम टाइम इसमें यहां पर जो पाकिस्तान जो है वो चिल्लाता हुआ नजर आता है। बांग्लादेश ने इंडिया को इनवाइट किया था, उस टाइम पर हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थी वो सुषमा स्वराज जी थी, पर लेकिन इंडिया को जो है इसके अंदर में मेंबर नहीं बनने दिया पाकिस्तान ने। दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो हमारे देश के अंदर में पाई जाती है, तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं उसके बाद भी हमको इसका पार्ट नहीं बनने दिया, तो ये हरकतें हैं पाकिस्तान की, हमारा प्यारा पड़ोसी देश लंगोटिया यार। रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा जो अभी डिपेंडेंसी है उसका इंपैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, और ये बात बोली गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। आप लोगों को पता है हम लोगों ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है 2025 तक, तो बाहर से जो 85% हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल लाते हैं, जिसमें से हम लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें निकालते हैं, ग्लिसरीन, तो अब आने वाले टाइम में उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी 2024 के अंदर में, ये बात बोली गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंटरनेशनल जो यहां पर बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, 1974 में इसको बनाया गया था, क्रिएट की गई थी ऑयल क्राइसिस के ड्यूरेशन पर, कि ऑयल का क्राइसिस आ गया अब कैसे लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर ये ऑपरेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बेसिकली फ्रेमवर्क के अंदर में। मेंबर जो है वो 31 है, इंडिया ने जो इंडिया है उसने ज्वाइन किया था 2017 में एज एसोसिएटिव मेंबर के तौर पर, फुल टाइम मेंबर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना अगर कल को क्वेश्चन बने तो। अभी न्यूज में था कि यूएनएचआरसी ने थैंक्स बोला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने रोहिंग्या कम्युनिटी के 142 जो लोग हैं उनकी बेसिकली एक तरीके से हेल्प की थी, जो कि यहां पर इंडिया के अंदर में अंडमान निकोबार पर आप लोगों को देखने को मिले थे। तो यूएनएचआरसी क्या है यहां पर, यह है यूनाइटेड नेशन जो हाई कमिश्नर है रिफ्यूजी के बारे में बात करता है, रिफ्यूजी और माइग्रेशन वालों में डिफरेंस समझिएगा। एक इंसान है जो कि जबरदस्ती कहीं से निकल कर आया, उसकी वहां पर लड़ाई चल रही थी, जैसे यूक्रेन से भाग गया कोई, सीरिया से भाग गया कोई, यहां पर पैलेस्टीन से भाग गया कोई, यहां पर म्यांमार से भाग गया, कहीं और जाकर जो शरण लेते हैं उसको रिफ्यूजी कहते हैं। माइग्रेट कौन करता है, जैसे कि आप लोग एजुकेशन लेने के लिए फॉरन चले गए, ठीक है, या कोई शादी के बाद में चला गया, फिर कोई काम के लिए इंप्लॉयमेंट के चक्कर में चला गया, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है, और ये यूएनएचआरसी गवर्न किया जाता है यूएनजीए के द्वारा और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के द्वारा, ताकि इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके जो रिफ्यूजी यानी के शरणार्थी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती है कि दुनिया में कहीं भी रिफ्यूजी रहे तो उनकी हेल्प करनी है। पर मुद्दा क्या है कि हमारा देश जो है इसके लिए बाध्य नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द 1951 जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, और यहां पर 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका हम पार्टी नहीं है, यानी कि हम लोगों ने उसको रेक्टिफाई नहीं कर रखा है, तो हमारे ऊपर इसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। तो यह है बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है, और बेसिक बातें हैं याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट रहता है, हालांकि कई बार न्यूज जो है वो काफी कम रहती है, पर कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस न्यूज के ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो वीट है उसके स्टॉक को लेकर बात की गई हमारे देश के अंदर में, और ओनियन के ऊपर तो एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा दिया हमारे देश के अंदर में, बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि ओनियन प्रोडक्शन के बारे में, हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा ओनियन प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद में अगर आप लोग बात करेंगे, मतलब अकेला 43% महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहां पर 16% और कर्नाटक और गुजरात कंबाइन करकर 9% हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा गंठे प्याज ओनियन उगाते हैं, ये आप लोग याद रखते हैं। अगर बात करें यहां पर नॉर्मली जो हार्वेस्टिंग सीजन है तो थ्राइस देखने को मिलता है, यानी कि खरीफ इसी के साथ में लेट खरीफ और रबी क्रॉप में यहां पर इसको उगाया जाता है। रबी मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, लगभग 72-75% नेशन प्रोडक्शन जो यहां से निकल कर आता है मार्च से लेकर मई के महीने में। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन सकता है कि नॉर्मली अगर बात करें ओनियन कैसी क्रॉप क्रप कैसी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो एक रबी क्रॉप आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे खरीफ हो गया और यहां पर बेसिकली आप लोगों को रबी हो गया, ये इनका ड्यूरेशन बताया गया, कब ये बोई जाती हैं, दिसंबर से जनवरी में, कब काटी जाती हैं, ये बेसिकली आफ्टर मार्च, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि रबी क्रॉप कैसी है और किस तरीके से चीजें हैं, तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी है। ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे देश के अंदर में जब रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया रखेगा और कहां कहां पर प्याज उगाया जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ओके, इन्वायरमेंट एक ऐसा पोर्शन है जहां से कई बार आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। जब कोई मीटिंग होती है उसमें हर एक देश जो है वो अपने अपने लेवल पर काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है इसमें जर्मनी ने क्या किया, क्लाइमेट क्लब की बात की जो कि इंडस्ट्रियल एमिशन जो है उसको कंट्रोल करेगा। इन्होंने मिलकर बोला कि हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर से जो एमिशन निकलता है उसको कंट्रोल करना है। मैं जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, जिसमें विंड और आप लोगों को यहां पर बेसिकली सोलर एनर्जी नजर आएगा। अब क्लाइमेट क्लब के बारे में अगर पूछे तो लेड किया गया जर्मनी और चिली के द्वारा, जिसमें यहां पर 36 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी सपोर्ट कर रही है डी कार्बोनाइज करना इंडस्ट्री को, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है क्यों ना वो भी सोलर सिस्टम पर काम करें। हो नहीं सकता ऐसा? की पिलर क्या है कि एडवांस करना है एम्बिशंस और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू काम करना, पिलर टू क्या है ट्रांसफॉर्म करना इंडस्ट्री को, पिलर थ्री क्या है बूस्ट करना इंटरनल कोऑपरेशन और बेसिकली पार्टनरशिप, क्योंकि इसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मिलकर काम करने की बात की जा रही है तभी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकल पाएंगे ये बोल सकते हैं आप। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया को सेलेक्ट किया गया और यहां पर ग्रीन वॉयस 2050 की बात की जा रही है प्रोजेक्ट के बारे में, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2019 में और यहां पर रिड्यूस करना है शिपिंग इंडस्ट्री से जो भी यहां पर एमिशन निकलता है 50% 2050 तक का। तो इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आया था, जो कि यहां पर बात करता है कि मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा आज की डेट में पोल्यूशन फैलाती है, तो अगर कोशिश करेंगे तो इसके थ्रू पोल्यूशन जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सामान लाया ले जाया बेचा जाता है वो इसी के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूनिसेफ के बारे में जो कि बच्चों से रिलेटेड बातें करता है, और बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है बेसिकली जनरेशन अल्टीमेट, ठीक है। तो जनरेशन अनलिमिटेड, बेसिकली अल्टीमेट नहीं, ये है जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्चेस, ठीक है, किससे रिलेटेड, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव के बारे में कोलैबोरेट किया जा रहा है हमारे देश में इन जो इंडियन जो मिनिस्ट्रीज हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर में, तो मिलकर काम करेंगे यहां पर। तो यूनिसेफ का जो जनरेशन अनलिमिटेड जो लॉन्च है यहां पर ग्रीन राइजिंग फंड, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये एक इनिशिएटिव है यूनिसेफ का जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिलकर काम कर रही है। फोकस क्या है कि यूथ को इंगेज करना है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को लेकर और ग्रास रूट लेवल पर यहां पर काम करने की बात की जा रही है। ये फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क के अंदर में, यूनाइटेड स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट जो है ये आप लोग चेंज होते रहते हैं, वैसे याद रखते हैं कैथरीन एम रूसेल है। यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इमरजेंसी फंड पहले नाम था, फिर बाद में नाम चेंज कर दिया गया, बच्चों के ऊपर फोकस करता है कैसे बच्चों की लाइफ को इंप्रूव करना है। क्लाइमेट चेंज हर एक लेवल पर आज के लिए बच्चे की लाइफ को एक तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि कैसे हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप लोगों ने किस किस ने पुष्पा मूवी देखी है, उसमें देखा ना जंगलों को काट के किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, तो यहां पर बात की जा रही है इंडियन फॉरेस्ट और वुड बेसिकली सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में, जो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट मतलब जंगल और एग्रो फॉरेस्ट्री उसी से रिलेटेड जो भी बेसिकली चीजें हैं, मतलब एक तरह एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों को कंबाइन कर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम ये एक थर्ड पार्टी जो पार्टी से एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं, जैसे नहीं मान लीजिए अगर मान लीजिए एप्लीकेशन के ऊपर मैंने टेस्ट करा दिया, ठीक है,
फिर टेस्ट कराने के बाद में मैं बोलूं किसी थर्ड पार्टी को कि बेसिकली आप लोग चेक कर लो सही है या फिर गलत है, तो ये क्या हो गया किसी और से उसको चेक करा देना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर प्रोवाइड करने के लिए मार्केट इंसेंटिव टू द एंटिटी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, फार्मर होते हैं, वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट लेकर हम लोग आगे चल सके, क्योंकि फॉरेस्ट की संख्या घटेगी तो दिक्कत देखने को मिलेगा। याद रखना आप लोग क्वेश्चन पूछा सकते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें पहले स्टेट की कैटेगरी में आती थी, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं, ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार डायरेक्टली। साइंस एंड टेक के बारे में बात की जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और इसी के साथ में हम लोग यहां पर फिर आगे देखेंगे डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी, ठीक है। तो यहां पर दोनों को कंबाइन कर भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो यहां पर इसके बारे में एक एक न्यूज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। दोस्तों यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है सोलर ऑर्बिटर स्नैप्स के बारे में। तो ये क्लीनेस्ट पिक्चर है सन की, जो कि यहां पर अगर जूम करके देखेंगे तो यहां पर ली गई है सोलर ऑर्बिटर के द्वारा, यहां पर बेसिकली जो कि ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ये किसकी बेसिकली इनिशिएटिव है, तो सोलर ऑर्बिटर जो है यूरोप का और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया। सन जो है बेसिकली उसकी पिक्चर ली गई यहां पर, तो सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसमें 10 जो साइंस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं डिजाइन किए गए हैं ताकि सूरज की चीजों को समझा जा सके। आज से नहीं है, काफी साल से, लगभग 3-4 साल से इसको लॉन्च किया गया था और फर्स्ट इमेज जून में इसने तैयार की थी। अभी यहां पर अगर बात करें मिशन जो है वो शेड्यूल है लास्ट करने के लिए 27 तक यहां पर ये रहने वाला है। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से याद रखना कि पिक्सल क्या है, 9148 से लेकर 9112 पिक्सल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इमेज यहां पर सेंड की गई है, ठीक है। तो पिक्सल जो है इसके बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक शानदार पिक्चर यहां पर इसके द्वारा लाई गई है, वैसे 83 मिलियन पिक्सल की है टोटल, जो कि अच्छा एक एक डिटेल सूरज के बारे में दिखा रही है, ठीक है। सूरज की पिक्चर लेना आसान नहीं है क्योंकि जलाकर राख कर देगा जरा सी देर में, तो इसलिए ऐसी कोई पिक्चर निकल कर आती है तो बहुत ही बड़ी बात है ये। ऐसा ही एक मिशन अगर आप लोगों से कोई पूछे किसका मिशन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पेस मिशन जो कि नासा का है। इसमें बात की जा रही है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, यानी कि समुद्र के ऊपर फोकस करने वाला ये मिशन 2024 में नासा का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ओशियन कलर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, इसके ओशियन के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर स्पेक्ट्रो जो पोलरीमीटर फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, हाइपर एंगुलर रिसर्च पोलरीमीटर, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक है कि ये ओशियन के कलर की स्टडी करना चाहते हैं, अलग अलग जगह ओशियन का कलर चेंज होता है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारे आर्टिकल्स मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किए कि यहां पर मुंबई के अंदर में ये कलर पाया गया ओशियन का, कहीं पर कुछ है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके कलर को एनालिसिस करके ये आप लोगों के सामने डिटेल जो डिटेल रखे लाकर, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। ये फतेह है जो है ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये ईरान का एक हाइपरसोनिक आप लोगों को मिसाइल सिस्टम देखने को मिला फतेह, जिसके बारे में याद रखना, जो कि यहां पर एक तरीके से फतेह का मतलब होता है कॉन्कर करना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि डेवलप की गई ईरान के द्वारा, और इसका ये एक फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, जो कि काफी स्पीड होती है, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहां पर फतेह मिसाइल के बारे में, तो हल्का सा याद रखेगा किसकी है, यह है हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी नहीं थोड़ा सा दूर है हालांकि, जहां पर हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो है वहां पर फतेह मिसाइल। साइबर अटैक जो है उसने बेसिकली बहुत ही बुरी हालत कर रखी है दुनिया की, तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इसका एक तरीके का यहां पर ट्रेनिंग करवाया गया यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में आया, क्योंकि साइबर अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर में, इसीलिए हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोस्तों ये 2018 में लॉन्च किया ताकि चीजों को सुधारा जा सके। एम क्या था, ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा सके, और चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी आप लोगों को देखने को मिलता है इसके तहत में, जो काम करते हुए यहां पर नजर आते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो कल को चलकर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग भी इसके बारे में याद रखेगा कि हमारे देश के अंदर में ऐसा सिस्टम है जो कि इस लेवल पर काम करता है। अभी रिसेंटली विनबैक्स एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर, तो ये एक्सरसाइज किसकी थी, ये 2018 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, स्टार्ट की गई थी। अभी यहां पर इसका एडिशन जो था 2018 में फर्स्ट ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इस एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में। अभी यहां पर ये 2022 में बेसिकली देखने को मिली थी चंडी मंदिर, जो बेसिकली चंडी मंदिर जो मिलिट्री स्टेशन है ये इंडिया के अंदर में। अब की बार कहां पर देखने को मिली, हनोई वियतनाम के अंदर में, यानी कि ऑल्टरनेटिवली होती है एक साल इंडिया के अंदर में और एक साल वियतनाम के अंदर में, और दोनों के बीच में एक्सरसाइज है, नाम है इसका विनबैक्स।
तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से डिफेंस एनडीए सीडीएस के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ईरान आजकल खूब काम कर रहा है, अभी याद रखना आप लोगों से पूछे कोई यहां पर करार कम्बैक्ट ड्रोन जो है वो किसका है यहां पर, ये भी ईरान का देखने को मिलेगा, अनमैन कम्बैक्ट एयर व्हीकल है यहां पर, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहा है आज के डेट में ईरान, तो उसका एक नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट लॉन्ग एंड्योरेंस कम्बैक्ट कैपेबल एक ईरानी मॉडल ड्रोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस्तेमाल होता हुआ नजर आए। ईरान का जो ड्रोन है यहां पर, ये कंसर्न बढ़ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है होते ही कम्युनिटी जिसको ईरान सपोर्ट करता है उसके ऊपर यूएसए जो है वो अटैक कर रहा था रिसेंटली अभी, तो इसके चलते आने वाले टाइम में प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है और ज्यादा, अगर होते ही कम्युनिटी को यहां पर ईरान कोई ऐसी चीजें सप्लाई कर देता है तो यूएसए की नाक में नकेल कस जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दुनिया के आयरन, जो इसराइल के आयरन डोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहां पर बात की जा रही है इंडिया का आयरन डोम, ठीक है। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति यहां पर देखने को मिली, इंडिया का जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया 4 टारगेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही मिसाइल के अंदर में से 4 टारगेट को यहां पर हिट करने वाला ये सिस्टम, दुनिया आज की डेट में इसको खरीदने के लिए लाइन लगाई बैठी है क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ आविष्कार कर दिया। 100 ट्रेन सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है वनरेबल एरिया को जहां पर एयर स्ट्राइक हो सकती है कल को, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, तो डीआरडीओ की एक शानदार परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर बोल सकते हो जो इसके तहत निकल कर आई और दुनिया ने सैल्यूट किया, और खरीदने के लिए भी भाई साहब लाइन में लगे हुए, तो ये सैल्यूट है हमारी डिफेंस के लिए। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, कहीं पर इंडियन लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंडियन ओशियन के बारे में बात की जा रही है, वो अलग बात है कि नाम हमारा ही है, ठीक है, जिससे चाइना चिढ़ता है। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ये अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला, इंडियन नेवी का 2008 आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, तो यहां से इसको स्टार्ट किया गया था, मिलकर इंडियन नेवी ने कन्विंस किया कि आओ मिलकर काम करते हैं इंडियन ओशन के अंदर में, एक अपना ग्रुप बनाते हैं, ये इनहेंस करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन, अलग अलग लेवल पर मिलकर काम करते हैं, और इसी के साथ में यहां पर इंडिया के बारे में बात करें 2018-10 यहां पर देखने को मिलेगा, इंडिया के द्वारा भी इसको अपने बेसिकली मीटिंग को हेड किया गया था, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टाइम होता है यहां पर ये सिंपोजियम, तो हमने ही स्टार्ट किया था आप लोग ऐसा बोल सकते हो, और हम ही होस्ट थे यहां पर। इसके अंदर में अलग अलग जो चीफ होते हैं बेसिकली वो मिलकर काम करते हैं जो नेवीज के, और ये बाई एनुअली देखने को मिलता है, इनके 2 साल में एक बार होता है, इसलिए 8 से लेकर 10 तक हमारे देश के अंदर में हुआ। अभी रिसेंटली ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ये बैंकॉक के अंदर में थाईलैंड में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो थाईलैंड जो बेसिकली यहां पर ये इसके अंदर में यहां पर देखने को मिला बैंकॉक के अंदर में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, डिफेंस रिलेटेड न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। रशिया के ट्रूप्स के द्वारा यहां पर NASAMS इसको बोलते हैं, यहां पर बेसिकली नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया अभी यहां पर, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम था यहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीका जो सिस्टम था यहां पर, ये सिस्टम डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये है बेसिकली रैथोन यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ में यहां पर यह है कोंगसर्ब जो डिफेंस एरोस्पेस है नॉर्वे का, इसके द्वारा लगभग आज की डेट में 13 देश ऐसे हैं जो कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए दुनिया को बेचता है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर 13 कंट्री ऐसी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके का शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, समझने के लिए आयरन डोम के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो रशिया ने इसको ध्वस्त किया अभी रिसेंटली, इसलिए न्यूज में था यहां पर ये, ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना आप लोग को कतई नहीं है। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और अभी न्यूज में क्या है वो जानोगे तो आप लोगों को और यहां पर काफी बातें जानने को मिलेगी। दोस्तों अभी क्या हुआ यहां पर, ये बेसिकली न्यूज में काफी ज्यादा रहा कि मीट और अल्कोहल का प्रोहिबिशन कर दिया गया पशुपति नाथ टेम्पल के ऊपर, एक प्रॉपर जो जिसका नाम है यहां पर बाला चतुर्दशी फेस्टिवल यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये पर्टिकुलर जो यहां पर डेडिकेटेड है किसके लिए, शिव भगवान के लिए, ठीक है, लोकेटेड कहां पर है यहां पर बागमती रिवर यहां पर, कहां पर ये नेपाल के अंदर में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो मुद्दा क्या बनता है कि क्या ऐसे किसी को रोका जा सकता है, देखो एक रिलीजन की आहत हो अगर किसी पर्टिकुलर चीज से यहां पर भावनाएं, तो उसको यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, इवन हमारे संविधान के अंदर भी आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो उसके चलते आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है, तो बेसिक है याद रखना। नेक्स्ट यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, टॉयज के बारे में, तो किसके टॉय के बारे में बात की जा रही है, चनप्पना जो टॉयज हैं वो पार्ट है आज के डेट में एकेडमी एक्टिविटीज अफगानिस्तान के अंदर में,
तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जो टॉयज हैं जिसको हमारे देश के अंदर में जियोग्राफी के अंदर में बेसिकली जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत यहां पर ये कर्नाटका के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलकर आते हैं ये टॉयज डोल वगैरह, और दुनिया भर में काफी फेमस है आज की डेट में। जीआई टैग समझते हो ना, भौगोलिक संकेतक, तो हमारी कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी फिलहाल एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर में यहां पर इसको रिस्टार्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड जो क्राइम है उसके द्वारा यहां पर बताया गया कि हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो कंट्री के अंदर में अफेक्टेड है, तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था रिसेंटली अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कब इसको जीआई टैग मिला, 2005 में, कहां से, कर्नाटका से, तो कहां पर यूज किया जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर में, क्योंकि दिक्कत आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर में क्या है, इंसानियत के नाम पे कलंक है आज की डेट में अफगानिस्तान के ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, तो उसके ऊपर काम करने की बात की जाती है। ये कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां बात की जा रही है हीरो स्टोन इंस्क्रिप्शन, मतलब जैसे पुराने टाइम पे जो हीरो हुआ करते थे यानी कि जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया या फिर कुछ बहादुर काम किया तो उनकी तस्वीर बना दी जाती है, उसकी कई सारी स्टेचू जो है इंस्क्रिप्शन मतलब एक पत्थर पर उकेरी हुई तस्वीरें, तो वो अभी यहां पर देखने को मिली नोलंबा डायनेस्टी के बारे में बात की जा रही है साउथ इंडिया, नॉर्मली तमिलनाडु के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके तहत यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नोलंबा जो बेसिकली यहां पर ये डायनेस्टी है काफी सिग्निफिकेंस है खासकर साउथ इंडिया के अंदर में, 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक इसने रूल किया यहां पर, पालवाज, चालुक्याज, बदामी, इनके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके इसी से रिलेटेड यहां पर ये कनेक्ट है, तो इसकी इंस्क्रिप्शन अगर पाई जा रही है तो हिस्ट्री के अंदर में नई चीजें चेंजेस होती है अभी आप लोगों को नजर आएंगी। अर्लियर जो यहां पर चित्रंग दुर्गा जो बेसिकली यहां पर चित्रदुर्गा जो यहां पर कैपिटल थी, बाद में इसको हेमावती जो है शिफ्ट कर दिया जो कि आंध्र की डेट में आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर इसके बारे में पूछा जा सकता है हिस्ट्री के साथ में भी कनेक्ट कर, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कई सारी छोटी छोटी खासकर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, इवन रिवर सिस्टम के बारे में भी। एक रिवर काफी ज्यादा न्यूज में आई और यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन देखोगे तुंगभद्रा रिवर के बारे में बात की जा रही है, स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। 17 ईयर ओल्ड बच्चा जो है इसके अंदर में बह गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी तुंगभद्रा रिवर, यहां पर देख सकते हैं। ये जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की जो कि आप लोगों को यहां पर दिख रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके साथ में कनेक्टेड होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे किनारे पर आप लोगों को यहां पर बेसिकली विजयनगर एम्पायर बसता हुआ नजर आता था, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहां पर हिस्ट्री के तहत आप लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती हुई ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। गोलन हाइट बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इंडिया ने बैक किया रिजोल्यूशन थी जो यहां पर एक तरीके से रिजोल्यूशन ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम द सीरियन गोलन हाइट, यानी कि गोलन हाइट जो है वो सीरिया की है और इजराइल जो है वहां पर उसको कंट्रोल किए बैठा हुआ है, तो सीरिया चाहता है कि इसको यहां से हटाया जाए बेसिकली, इसके चलते यहां पर रिजोल्यूशन लेकर आता है बार बार यहां पर, इसके चलते चीज देखने को मिलती है। तो इसमें आप लोग याद रख लेगा एटलीस्ट कुछ बातें, जैसे कि जॉर्डन रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, सी ऑफ गैलीली यहां पर नजर आता है, माउंट हार्मोन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में वादी अली रका, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आप लोगों से क्योंकि ये रीजन न्यूज में है, तो वादी अल रकाद रिवर यहीं पर देखने को मिलेगी आप लोगों को, और यारमुक रिवर भी आप लोगों को यहीं पर ही नजर आएगी जो कि पूछी जा सकती है। इसराइल जो है गोलन हाइट को कंट्रोल किए बैठा है 1962 में जब 6 डे वॉर हुई थी तब से इसने अपने कंट्रोल में ले ली और आज तक बोलता है जिसको लेनी है लेकर दिखा दो मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, ऐसी बात है इसराइल बोलता हुआ नजर आता है, यानी कि सीधे मुंह इनसे बातें नहीं करता है जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। रिसेंटली अभी साइक्लोन मिशिगन जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिला, तो इसके बारे में हल्का सा याद रखें क्योंकि पूरे साउथ इंडिया को जो है इसने परेशान करके रखा, डेली बहुत सारे लोग जो है वो परेशान रहे यहां पर, बहुत सारी जो इसके चलते एक तरीके से ना आप लोग बोल सकते हैं जो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई यहां पर इसके चलते, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, क्योंकि कल को चलकर जितने साइक्लोन्स होते हैं ना उनके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है मिशिगन साइक्लोन के बारे में, मिशिगन जो शब्द है आप लोग अगर याद होगा यहां पर कई बार आप लोगों वैसे पहले बता चुका हूं, लेक मिशिगन आप लोग समझते हैं, लेक मिशिगन कहां पर है, ठीक है, उसका नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा थोड़ा सा अलग, उसका नाम है MICHIGN, इसका नाम है MICHAUGN, ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। तो वो जो रिवर है वो कहां पर पाई जाती है, वो पाई जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, ठीक है, और यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग एक साइक्लोन के बारे में, ठीक है।
तो साइक्लोन के बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट डाला हमारे देश के अंदर में, खासकर अलग अलग रीजन के अंदर में, साउथ इंडिया के अंदर में अगर आप लोग बात करें, और इसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा चीजें जो है वो अस्त व्यस्त होती हुई नजर आई। तो सबसे पहले ये किस साइड में था, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर नाम आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो साइक्लोन मेसिगन जो है वो आंध्र प्रदेश में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, आंध्र प्रदेश वाली साइड में यहां पर इसके बारे में नजर आया। ओरिजिनेट हुआ अंडमान निकोबार से, फिर आगे चला, आगे चलते चलते काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला इसने ग्राउंड लेवल पर, और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ से भी तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है लड़ाई हो गई थी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उतना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी जितना यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था तमिलनाडु की, यहां पर इतना सपोर्ट उनको मिले, क्योंकि यहां पर जब भी कोई साइक्लोन आता है ढांचागत जो है बर्बादी होती है काफी लार्ज स्केल पर, तो यहां पर उस लेवल पर सपोर्ट देखने को नहीं मिला, तो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर दिक्कतें निकल कर आई। तो जब जब कोई ऐसा साइक्लोन होता है तो तब तब दिक्कतें निकल कर आती है कि यहां पर सेंट्रल स्टेट में जो फेडरलिज्म का सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर यह चीज देखने को मिली। अब जो मिशिगन नाम है यहां पर किसके द्वारा दिया गया आप लोगों से पूछ रहे, तो ये म्यांमार के द्वारा दिया गया यहां पर मिशिगन नाम। ठीक है, तो म्यांमार के द्वारा दिया गया, तो मतलब क्या इसका, मिशिगन के बारे में अगर बात करें तो मतलब एक तरीके से मिशिगन जो नाम है इसका मीनिंग क्या देखने को मिलेगा, यानी कि रेजिलिएंट रहना। ठीक है, किसी चीज को लेकर आप लोगों को नहीं कहते एक तरीके से आप लोगों एक अपनी चीज पे टिके रहना है, तो एक तरीके से, या फिर आप लोग चीजों को लेकर ऐसे नहीं कि मतलब एक तरीके से थोड़ा सा मतलब कैसे समझाओ इसको, आप लोग बोल सकते दृढ़ भी रहना और लचीला भी रहना तो इसका मतलब ये आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली साइक्लोन आने की कंडीशन जो रहती है 27% अगर टेम्परेचर हो जाता है तो साइक्लोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये कंडीशन बताई गई है हमारे देश के अंदर में। कोई पूछे एक साइड में है अरेबियन सी, इधर है बेव बंगाल, सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं बेव बंगाल में, अरेबियन सी में भी कम नहीं आते हैं, यहां पर अच्छे खासे साइक्लोन देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिक है जो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है माइनिंग के बारे में, क्रिटिकल मिनरल के बारे में बात की जा रही है, तो क्रिटिकल मिनरल हमारे देश के अंदर में कई जगह देखने को मिलते हैं जैसे बिहार, गुजरात, झारखंड, तो माइनिंग फॉर द क्रिटिकल मिनरल बात की जा रही है कि ऑक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कई बार पूछा जाता है, तो यहां पर आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो मिनरल जो होते हैं क्रिटिकल मिनरल किसको बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जिनकी सप्लाई शॉर्टेज रहती है, ठीक है, तो उनका जो ऑक्शन होता है उनका प्रॉपर ऑक्शन होना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। यहां पर आप लोगों को पता है घोटाला क्या है, कोल जो एक तरीके से कोलगेट माइनिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कांग्रेस जो है बेसिकली उसकी वजह से पूरी दिक्कत में आ गई थी। ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल कई बार अच्छी जगह यूज होते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इबू वोल्केनो ये इंडोनेशिया के अंदर में फटा रिसेंटली अभी, तो क्वेश्चन डायरेक्टली मैप बेस पूछा जा सकता है, इबू एग्जैक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो लोकेशन आप लोग याद रख सकते हैं। येलो सी न्यूज में था क्योंकि यूएसए का F-16 जो है वहां पर क्रैश हुआ, तो यहां पर आप लोग देखते हैं यह है येलो सी, इसके ऊपर में बोहाई सी, तो ये भी याद रखेगा, इधर है सी ऑफ जापान और यहां पर हो गया ईस्ट चाइना सी, तो क्वेश्चन डायरेक्टली अगर कंफ्यूजन में रहोगे तो नहीं दे पाओगे इसका आंसर, पर ऐसे याद रखोगे तो याद रह सकता है। डीआरडीओ ने क्या किया, मिसाइल टेस्टिंग रोक दी क्यों, क्योंकि ओलिव रेडली टर्टल जो थे वो अपने अंडे दे रहे थे बेसिकली यहां पर, तो ये व्हीलर आइलैंड है जिसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर रखा गया, उड़ीसा के अंदर में है यहां पर, याद रखेगा। ठीक है, पहले इसका नाम था लेफ्टिनेंट जो ह्यूग व्हीलर है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि वो इंग्लिश कमांडर थे और हमारे देसी जो बहादुर एक तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है उनके नाम पर नाम रखा गया, जो कि एक इंस्पिरेशनल फिगर है बहुत ही बड़ी। ठीक है, बैब अल महंदेव बहुत ही ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली हुतई कम्युनिटी के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना गल्फ ऑफ एदन हो गया यहां पर, ये हो गया रेड सी, इस लोकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बैब अल महंदेव। क्वेश्चन डायरेक्टली बने तो कंफ्यूज आना बिल्कुल नहीं है क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है यहां पर हाइन रिवर या फिर रहन रिवर बोल सकते हैं इसको, यूरोप के अंदर में 12th लार्जेस्ट रिवर है जो कि आप लोगों को यहां पर एग्जैक्ट देखने को मिल रही है, तो ये न्यूज में थी रिसेंटली अभी यहां पर, तो याद रख सकते हैं कोई भी रिवर वगैरह अगर ऐसे न्यूज में रहे क्वेश्चन देखो बने तो वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, बस ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सी जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा सारगोसा सी, एक सारगोसा सी जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कि यहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में, एक पर्टिकुलर एशियन के आसपास में यहां पर आप लोगों को सारगोसा सी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं बारमूडा ट्रायंगल के आसपास में, यहां पर यह सी नजर आता है कि यहां पर बारमूडा ट्रायंगल बन जाता है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट और कैनरी जो करंट है और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के थ्रू यहां पर यह बनाया जाता है पूरा, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कि ये कहां पर है, एक तरीके का कोई बाउंड्री नहीं है ऐसा कि प्रॉपर बाउंड्री है, हाँ ठीक है बस इसके नाम पर इस सी का नाम रख दिया गया है कि यहां पर एक तरीके से बहुत ही लार्ज स्केल पर जो एक नहीं ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है जो कि काफी खतरनाक माना जाता है, तो यहां पर क्या हो गया यार, अब तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ
लोकेशन आप लोग एटलीस्ट यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारे देश की एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है शेख हसन खान माउंट विंसन पर चढ़ गए थे जाकर। कहां पर है माउंट विंसन? अंटार्कटिका के अंदर में हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर में विंसन, सॉरी अंडमान निकोबार बोल रहा हूं, अंटार्कटिका के अंदर में विंसन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। रेड सी न्यूज में आए यहां पर, इसको बेसिकली इथेरेनियन सी के नाम से भी जानते हैं। यूएसए ने लॉन्च किया मल्टीनेशनल पुश ताकि यहां पर रेड सी में आसानी से काम को किया जा सके। तो रेड सी और यहां पर मैंने अभी बताया बल अल मंदेब और गल्फ ऑफ एदन, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे अभी, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कि आप लोगों को याद रखनी है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए तो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। बाकी सीरियस तरीके से आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपने ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप लोग यहां पर जाकर देख सकते हैं, काफी अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है यहां पर, आप लोग अच्छे से इनको एंजॉय कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का कोर्स है, अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस तरीके से एनसीईआरटी एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, एक साल के लिए 999 में, इससे सस्ता और क्या ही लोगे। बेसिकली सारी एनसीईआरटी कवर की जा रही है एक एक कर आप लोगों के लिए, जो कि फायदेमंद रहेगी। टेस्ट सीरीज अगर चाहते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करता हूं, फीडबैक जरूर देना लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।